हाँ अब मैं ऑडिबल हूँ। यस यस सर। क्लियर। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज का है। इसमें कौन सा टेस्ट हुआ था? 7 वाला ना, तो मॉक टेस्ट एग्जाम में 7 प्रॉब्लम थे। तो अरे ऐसा नहीं तो खुलेगा ऐसा सर, नहीं खुलेगा, एक मिनट पहले तो देखते हैं क्या वो दिक्कत है। आपने सबमिट किया होगा, हाँ चेक करते हैं उसमें सर शायद। अच्छा रिपोर्ट में जाइए, रिपोर्ट में जाइए सर। अच्छा ऐसा है क्या? ओके ये हाँ सर, चेंज हुआ। 7 वाला ना, फुल एम एस ये वाला। यही था ना। अच्छा ओके ओके सो चलो बताओ इसमें क्या डाउट है। सर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव। 5 सर, 5 फाइव अगर टू कॉइंस आर टॉस्ड इनडिपेंडेंटली वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अकर्स व्हेन द आई कॉइन आई टॉस इज पी आई, आई 1 या 2 हो सकता है। सर दो कॉइन को टॉस किया तो पहले कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी है P1 और दूसरे कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी है P2। तो ये कहना चाह रहा है कि गिवन दैट, ठीक है क्या बोल रहा है कि गिवन दैट एटलीस्ट वन हेड हैज अकर्ड द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन प्रोड्यूस्ड डिफरेंट आउटकम इज। तो इसमें क्या दिक्कत है? P1 P2 कुछ अज्यूम कर लो ना, उससे नहीं होगा। मतलब एग्जाम में तुम्हें थोड़ा शॉर्टकट भी करने हैं, तुम P1 P2 कुछ ले लो। चलो ट्राई करते हैं। तो ये फुल लेंथ टेस्ट है ना, फुल लेंथ टेस्ट 7। एमएस का ना ऐसे इसी टाइम पे MWF में मैं गेट का प्रीवियस ईयर प्रिपेयर करा रहा हूँ। अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, बट आई वुड रिकमेंड कि तुम जैम का ही ढंग से तैयारी करो, गेट जाएगा। क्योंकि गेट का लेवल MS है तो कुछ क्वेश्चन वैसे भी होंगे जो MSC लेवल का हो, बट इतने भी नहीं, कुछ क्वेश्चन वैसे होते हैं। तो वीडियो जैसे मैं शेयर कर दूंगा बाद में, 3 लेक्चर शेयर भी किया था तो देख लेना। जस्ट क्लासेस मत करो रेगुलर, बिकॉज फिर उसमें होमवर्क भी है तो होमवर्क में करना पड़ेगा। तो इसलिए जैम का ढंग से प्रिपरेशन करो और गेट का देखना हो सोल्यूशन, तो वीडियोज में शेयर करूंगा बाद। तो इसी टाइम पे मतलब मंडे वेडनेसडे से फ्राइडे चलती है गेट की और TTS में और जैम की। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड इन फर्स्ट कॉइन इज P1, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड इन सेकेंड कॉइन इज P2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इन फर्स्ट कॉइन इज 1 माइनस P1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इन सेकेंड कॉइन इज 1 माइनस P2। ठीक है, सो इसमें अगर कैलकुलेशन नहीं करना तुम थोड़ा इजी कर लो। और तुम्हें क्या गिवन है? इवेंट ए मान लो जो गिवन है, सो वो कह रहा है कि है ना कि टू कॉइंस आर टॉस इंडिपेंडेंटली वेयर पी दिस इज गिवन दैट एटलीस्ट एटलीस्ट वन हेड अकर्स। मतलब टू कॉइन को टॉस किया क्या क्या आउटकम हो सकते हैं? अगर टू कॉइन को तुमने टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या है तुम्हारा बताओ। हेड हेड मतलब फर्स्ट पॉइंट का पहले लिखता हूँ, तो दोनों पे हेड आ सकता है, या हेड पहले पे टेल हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, पहले पे टेल दूसरे पे टेल। ये वैसे ही है, बस 1 2 बस लेबल कर रहा है। तो HH HC TH T, बस पहला पॉइंट मैंने मान लिया कि 1 से नोट कर दूसरे से। अब इसमें क्या है? एटलीस्ट वन हेड अकर्स ना, तो कौन कौन से आएंगे ए में? ठीक है ना, एटलीस्ट वन हेड अकर्स, एटलीस्ट वन हेड ऐसा कर। तो कम से कम एक हेड तो आया है, तो मैं क्या क्या लिखूँ ए में? ए में लिखता हूँ जो गिवन है, तो क्या क्या आएगा इसमें? H1H2, हाँ H1S2, H1T2, H1T2 है ना, T1H2। ओके, अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन प्रोड्यूस डिफरेंट आउटकम।
मतलब क्या हुआ, डिफरेंट आउटपुट्स का मतलब क्या, मुझे मान लो इवेंट ई है, सो इवेंट ई का मतलब क्या है, डिफरेंट आउटकम प्रोड्यूस करा, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, आपको क्या समझ आ रहा है इसका मतलब, कि कॉइन डिफरेंट आउटकम दे रहा है, कोई बताओ मतलब मैं क्या लिखूं, एक पे हेड है तो दूसरे पे टेल आना चाहिए, राइट ये वाला आउटकम, दो आउटकम है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ए नहीं निकल जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है, ओके एंड अब बताओ E given A कितना है, कितने आउटकम है इसमें, अच्छा प्रॉब्लम ये है कि इसकी प्रॉबिलिटी लिखनी पड़ेगी, हाँ सो E given A में पहले क्या क्या आउटकम है वो लिख लो, आउटकम क्या क्या है इसमें, E इंटरसेक्शन A में H1 T2 और T1 H2 ये कॉमन है ना, अपॉन A में क्या क्या है, A में पूरा है, सो तुम्हें इसकी प्रॉबिलिटी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इक्वली लाइकली नहीं है, ऐसा नहीं देखो 2/3 ऐसा नहीं चलेगा, आप क्यों इक्वली लाइकली नहीं, अगर इक्वली लाइकली होता है तो तुम वो फॉर्मूला जो तुम क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो जो लोअर क्लास में पढ़ते थे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, वो डेफिनेशन का वैलिड है जब इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है यहाँ इक्वली लाइकली नहीं है, तो H1 H2 यहाँ जो भी आउटकम लिख दो H1 T2 और T1 H2, सो पुट कर लो वैल्यू, सो बताओ मुझे H1 T2 की क्या प्रॉबिलिटी है, H1 T2 ना, H1 और T1 1 - P2 है ना, इसको सिंपलीफाई करना होगा जस्ट, मुझे लग रहा है P1 1 - P2 राइट, फिर T1 H2, तो T1 है 1 - P1 H2 है P2, सो P2 times 1 - P1 हो गया अपॉन, अब अपॉन में इन तीनों का ऐड कर लो वैसे ही हो जाएगा, सो P1 P2 plus P1 1 - P2 plus P2 1 - P1, क्या इसे आंसर नहीं आ रहा, नहीं सर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है कोई बात नहीं, बस यहाँ पे कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं कि ये 2 तुम मान लो 2/4 3/4 कैंसिल कर दोगे, वो तब लगा सकते हो तुम जब वो इक्वली लाइकली आउटकम हो, यहाँ इक्वली लाइकली नहीं है क्योंकि हेड की अलग अलग प्रॉबर्टी दोनों पॉइंट पे, और इवन हेड टेल भी अलग अलग प्रॉबर्टी है, सो लाइक मतलब नॉट दे आर नॉट इक्वली लाइकली, हेड टेल की इक्वल प्रॉबर्टी नहीं दोनों पॉइंट, ठीक है अनबायस होता है तो वैसा होता है, ये बायस पॉइंट, चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 चलिए 7 सर मैं सर पूछ सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं डिस्कस कर सकता हूँ, वैसे सर ने शायद मैथ पर डिस्कस कर रखा है बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा, आप पूछ सकते हो कोई दिक्कत, मेन सीखना है आपको सीखना है तो मैं भी ट्राई कर सकता हूँ, हालांकि पेपर मैंने ये पहले किया नहीं है, मैं पहली बार देख रहा हूँ, देखते हैं आप पूछ सकते हो कोई दिक्कत, सर तो आपकी आवाज नहीं आ रही, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, ओके 7 उसके बाद पूछना, अभी 7 पहले कर लेते हैं, और चैट में लिखो मैं ऑडिबल मुझे सुनाई दे रहा आप क्या बोल, दूसरे वाला जो बोल रहे हैं 7 मुझे समझ आया, उसके बाद मुझे सुनाएंगे, सो ओके 28 पे आते हैं, सो डिस्कस कर 7 पे कर लेता हूं, कट आउट है, लेट एक्स वाई बी जॉइंटली नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर्स 0 1 - 1 4 and -1 पूछ रहा है ये क्या होगा, तो ये इस तरह क्वेश्चन मैंने क्लास में किए थे, आपको रिवाइज करोगे तो समझ आ जाएगा, देखो फिर भी कर लेते हैं, आंसर नहीं आ रहा है एक बार देखिए ना, ओके कोई बात नहीं, हो सकता हमसे गलतियां हो गई हो, जैसे अभी जो टेस्ट हुआ है शायद कल परसों 9 नंबर जो भी हुआ उसमें कुछ क्वेश्चन मेरे भी थे, मतलब मैंने इजी बनाने की कोशिश की थी, बहुत ठीक है 11 टेस्ट हुआ था, हाँ टेस्ट नंबर 11 हुआ था, उसमें उसमें कुछ क्वेश्चन, उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने दिए थे और कुछ अभिनव का था, तो उसमें शायद गलतियां हैं, मैंने कई बार गलतियां की है, सो चेक करेंगे उसको, वेरीफाई करेंगे बच्चों ने टेस्ट किया था, तो ठीक है 7th पहले देख लेते हैं, तो इसमें था कि एक्स वाई विज जॉइंटली नॉर्मल 0 1 - 1 4, तो एक्स वाई बी वाई वेरिएट नॉर्मल 0 1 - 1 4 -1/2 ठीक है -1/2 ओके, चलो अब मुझसे पूछा गया, क्या पूछा है बताओ, तो x plus y is equal to 0 नहीं, इक्वल टू जीरो नहीं होगा,
सर गेटर दिस जीरो गिवन, सर गेटर दिस हाँ गिवन गेटर टू दिस एक्स जीरो माइनस वाई इक्वल टू जीरो, टू एक्स माइनस वाई। ओके देखो सबसे पहले हमारा काम है ये और ये क्वांटिटी निकालना। मान लो चलो मैं अपनी मर्जी से ये मुझे चाहिए, मैं यू मान लेता हूँ कल एक्स प्लस वाई और वी मान लेता हूँ टू एक्स माइनस वाई। चूंकि ये बाईवेरिएट नॉर्मल है तो बाईवेरिएट का डेफिनेशन है कि एक्स वाई का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो वो नॉर्मल ही होगा, ठीक है? तो ये नॉर्मल ही आना है। तो मुझे बताइए यू का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और बताइए वी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो मीन वेरियंस निकालना आपको, यू का मीन क्या है, तो म्यू वन म्यू टू है ना, ये इस तरह से है ना, म्यू वन म्यू टू सिग्मा वन स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर। एक मिनट मैं थोड़ा गलती किया है आपसे, वेरियंस माइनस कॉमन कैसे हो सकता है? सो अच्छा ऐसा है, होगा सर वो जो मीन हाँ होगा, जीरो माइनस वन वन फोर, हाँ जीरो माइनस वन वन फोर, यस यस। सो ये है जीरो माइनस वन वन फोर, यस। सो म्यू वन म्यू टू सिग्मा वन स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर रो, ये है, ठीक है। तो आप यू का मीन बताइए, यू का मीन हो जाएगा माइनस वन, यस सर, और वन फाइव। यू का मीन जीरो और माइनस वन माइनस वन फाइव फाइव। ओके सो इसका वेरिएंस प्लस उसका वेरिएंस, एक मिनट, फाइव क्यों होगा? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है ना, यहाँ तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी है, आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, नॉट फाइव। यहाँ जब निकालोगे वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई तो ये होगा वेरिएंस एक्स प्लस वेरिएंस वाई प्लस टू टाइम को वेरिएंस बिटवीन एक्स वाई टू सिग्मा वन, ये टर्म आएगा बिकॉज यहाँ इंडिपेंडेंट नहीं है। हाँ सर मैं यही गलती कर रहा था, ये मैंने ऐड नहीं किया था। तो ये आप कर लीजिए, ऐसे ही सेम यहाँ पे भी होगा, को वेरिएंस टर्म आएंगे बिकॉज दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो यहाँ से करके ये क्लास में किया। मैं ट्राई कर लूंगा, हाँ हो जाएगा, यू गिवन यू, हाँ यू गिवन भी बाय वेरिएट नॉर्मल है, इस क्लास में क्लास में किया है इस तरह। यस सर, यस सर, सेम क्वेश्चन, हाँ सेम क्वेश्चन। तो आप वहाँ देख के नोट्स देख के या वीडियो देख के आप वर्क कर लीजिएगा, ठीक है? ओके सर, नहीं होगा तो बाद में पूछ लूंगा। हाँ दोबारा पूछ लेना फिर। नेक्स्ट बताइए, थर्टीन ये वाला, हाँ थर्टीन ये क्या? हाँ सर थर्टीन थर्टीन। ओके सो एक्स भी रैंडम वेरिएबल, माइनस टू और टू पे वन बाई सिक्स है, वन और माइनस वन पे वन बाई थ्री है, टोटल वन आ रहा है, चेक कर लूँ? टोटल वन है क्या? वन बाई सिक्स प्लस वन बाई सिक्स, वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री, टू बाई थ्री, यस वन बाई थ्री, हाँ ठीक है ना, करेक्ट मतलब। तो पी एम एफ ठीक है, तो डिफाइन कर रहा है वाई सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री है, तो बोल रहा है आपसे कि जो वेरिएंस एक्स माइनस वाई होगा वो कम होगा वेरिएंस एक्स से। ओके तो एक काम करते हैं, वाई काम पी एम एफ निकाल सकते हैं, इजी होगा, तो उसे भी कर सकते हैं हम लोग। और हमें भी कैलकुलेशन होगा इसमें, जैसे हम लोग वेरिएंस निकालना है। सर इसमें डायरेक्ट कोवेरियंस निकाल दें अगर एक्स और वाई का, फिर चलेगा, उससे इजी हो रहा था फिर। ओके सो पहले बार लिख देता हूँ, तो ये आपका 13 है कि अच्छा एक नंबर लगता है, हो गया मुझे, ओके सो इसमें सिंपल वाला पीएमएफ लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी जो है x इज इक्वल टू x, तो इस तरह से आपको दे रखा है कि x बराबर 2 है और माइनस 2 है, सो 2 माइनस 2 पे 1 बाई 6 है, और वन माइनस वन वन बाई थ्री, ठीक है। तब ऐसे ही कह रहे हैं कि वाई हमारा है क्या है, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग थ्री। ओके तो अब यहाँ से क्या करते हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि ठीक है पहले कोवेरियंस निकाल लेते हैं, कोवेरियंस अगर निकाल लेंगे तो चलिए सीधा हम एक्स वाई के बीच कोवेरियंस निकाल लेते हैं,
तो कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई मतलब x, 6x स्क्वायर प्लस 3 रख देते हैं, ठीक है, जस्ट अ डेफिनेशन यूज करो e ऑफ x into y, तो x into 6x स्क्वायर प्लस 3 माइनस ex into e x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब क्या होगा जब इसको आप ओपन कर रहे होंगे तो होता क्या एक्सपेक्टेशन में कि 3x स्क्वायर होगा, 3x स्क्वायर होगा। अच्छा यहां पे सर अपने सेकंड एक्सपेक्टेशन पे 6 नहीं लिखा, वो मैं कह रहा था। अच्छा ये हां यहां मैंने मिस, हां ठीक है डेम समझ गया, यहां मिस कर दिया मैंने, हां ओके। तो हां ठीक है, तो इसका जो पीडीएफ क्या है ना कि अलग अलग वैल्यू रखते हैं, जैसे लाइक वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं डायरेक्टली रूम पुट कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर रखूं ये तो शायद जीरो हो जाएगा, जीरो आ जाता है क्या ये टर्म सर? यस सर। हां सर इसमें डायरेक्ट नहीं कर सकते हम ऐसे, 6 बाहर आ जाएगा और प्लस, जैसे कोवेरिएंस में प्लस का कोई वो नहीं होता, इफेक्ट नहीं होता, उससे भी आ जाएगा, उससे भी हो जाएगा। हां ठीक है, जैसे ये सब तो सेम आ जाएगा। अच्छा तो आप यहाँ जब 6 बार कर लें क्या होगा, कोवेरिएंस फ्रॉम x, 6x स्क्वायर और x, 3 टाइप से, हाँ जैसे भी कर लो तुम्हारी मर्जी, ये 0 आ जाएगा, माइनस ई एक्स निकाल लो, सो ई एक्स भी शायद 0 ही आ जाएगा, टोटल 0 आ गया, चेक करो, ठीक है ये टोटल 0 आ जाएगा। सो इसका क्या मतलब हुआ, तो इससे क्या हुआ वेरिएंस x प्लस y का और x माइनस y का इक्वल होगा। ओके तो यहाँ से वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y राइट, एंड यहाँ से x माइनस y निकालेंगे तो प्रॉपर्टी वेरिएंस का यूज करेंगे, सो वेरिएंस x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा वेरिएंस y राइट, तो आप सही करें, सो वेरिएंस x प्लस y इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इनइक्वालिटी कहना चाहते हैं, ठीक है। सो पहले कोवेरिएंस ने चेक किया कि वो इसमें कोवेरिएंस टर्म भी आएंगे, सही नहीं है, ट्रैक करते हैं चलिए। तो ये कह रहा है कि आंसर सी होगा शायद सर। ओके तो ये सब इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल है, तो न्यूमेरेटर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? सर क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर अगर कोवेरिएंस से 0 नहीं होगा तो कैसे प्रोसीड करेंगे फिर आगे सर? तो फिर हम निकालते हैं उसकी वैल्यू प्रॉपर, जैसे मैं कोवेरिएंस 0 नहीं होता कुछ तो आता ना, तो फिर वेरिएंस x + y का फार्मूला लगाएंगे, वेरिएंस x + वेरिएंस y + 2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y, ठीक है यस सर, इस तरीके से फिर फार्मूला लगा के वैल्यू निकाल के देखते हैं, हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, वेरिएंस x भी निकाल सकते हैं, दे रखा है ना मैं डिस्ट्रीब्यूशन x और y का, यस x का है y का, निकाल के फिर हमें प्रॉपर वैल्यू निकाल के कंपेयर करना पड़ेगा। ओके सर थैंक यू, ठीक है 14 का कह रहा है ये करेक्ट है लोग चैट में, ठीक है। अच्छा कुछ को फर्स्ट में भी डाउट है, ओके 28 ठीक है, चैट में तुम लिख सकते हो, मैं चैट पढ़ रहा हूँ तो आई विल डू दैट। सो अभी 14 देख लेते हैं एक बार जिनका डाउट उनके लिए, तो न्यूमेरेटर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मीन 0 है और वेरिएंस हो गया 1 + 1 + 1 = 4, तो 2 से डिवाइड कर दो इसको, सो लाइक चलो देखो ओके सो ठीक है 14 का कुछ लोग आंसर बता रहे हैं। सो इसमें यह है कि जो आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 ये है, और अपॉन में y1 y2 माइनस y3 प्लस y, इस पूरे का स्क्वायर है, ठीक है ना। सो ऊपर आप क्या होगा आपको कि ये नॉर्मल 0,4 है, तो मैं ऐसा करता हूँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0,4 है, सो डिवाइड कर देंगे किससे, मीन 0 है घटा दो, वेरिएंस इसका 4 है, स्टैंडर्ड इज 2, सो x1 से लेके x4 अपॉन आप 2 कर देंगे ना, तो इससे क्या हो गया नॉर्मल 0,1 हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या है मीन 0 वेरिएंस 4 है, ये भी ऐसे है ना, सो इसका मीन 0 ही होगा और वेरिएंस इसका भी 4 होगा, सो इसको भी ऐसे करेंगे आप y1 - y2 + y3 - y4 अपॉन 2 कर देंगे,
और तो ये हो गया इसका स्क्वायर अलग अलग कर दो, तो ये हो गया काई स्क्वायर, ऊपर कितना हो गया, अच्छा मुझे उसको बैलेंस करना है, सो चेक करो कितना नॉर्मल 0 1 हो गया न्यूमरेटर, काई स्क्वायर 1, काई स्क्वायर 1 पर चेक करो, यस सर यही होगा, तो ये कितना हो गया F11 सो चेक करो बाकी लोग तो कह रहे 14 में सही, एक बार चेक करते हैं, तो A44 है, सी होना चाहिए ना, अच्छा ए दे रखा है उसने लेकिन सी होना चाहिए, सी होना चाहिए, एक बार कोई नोट कर लो जितने भी एरर्स है ना, एक बार कोई नोट करके एक बार सिस्टर को भेजना ताकि नेक्स्ट टाइम भी गलती ना हो, नेक्स्ट ईयर या इसमें अपडेट हो जाएगा, तो कोई भी टेस्ट जो तुमने दिया है उसमें जो जो गलतियां थी एक बार वो करके सर को भेज देना, जैसे अभी ये क्वेश्चन है तो इसमें मैं भेज देता हूँ उसको, तो तुम लोग भी भेज देना, तो ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बता दो, 11 ओके, तो ये वन बाय वन देखते हैं, ये मैंने ग्रुप पे भेजा था इसका सॉल्यूशन, चलो ट्राई करते हैं, तो इसमें था कि n पीपल सीट अराउंड राउंड टेबल, तो मैंने कहा था n को 6 ले लो और उसे करके देखते हैं, तो मैं उस टाइम ट्राई किया था बट प्रॉब्लम हुई थी, सो वैसे नहीं होगा जैसे मैं उस टाइम सोच रहा था, फिर बाद में सॉल्यूशन ग्रुप में भेजा था, so n people sit around a round table when n is more than 5, each person tosses a coin, anyone whose outcome is different from his or her two neighbors will receive a present, let x be the number of people who receive present, so find the value of this px plus variances, to isme kya tha like 11 mein ki hamare paas match n ko main 6 ले रहा हूँ, फिर उसके हिसाब से ऑफर मैच सो लाइक 1 2 3 4 5 6 ये पहला परसेंट, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ठीक है, तो इस तरह से टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं, ये टेबल है उसके अराउंड 6 लोग हैं, अब जो फर्स्ट तब विन करेगा, अगर मान लो इसको हेड आया तो इसको टेल टेल आना चाहिए लाइक दिस, तब ए जीतेगा, तो हम एक आउटकम डिफाइन करते हैं, मान लो एक्स आई, तो एक्स आई का मतलब इसकी वैल्यू 1 होगी और 0 होगी, सो 1 कब होगी, इफ पर्सन आई विंस, इफ पर्सन आई विन, विन मतलब गेट अ प्रेजेंट, इसका मतलब ये है, तो ये अदरवाइज, तो इस तरीके से क्या हो गया कि आई की वैल्यू क्या हो सकती है 1 से 6 तक, कोई भी 6 पर्सन है, अब x हमारे पास है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, क्या बोला था इसने इस क्वेश्चन में है कि x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल हु रिसीव प्रेजेंट, तो देखो अब जितने लोग प्रेजेंट उसी उसकी वैल्यू, तो जैसे अगर प्रेजेंट कोई जीतेगा तो 1 है, नहीं तो 0 है, तो तीन लोगों ने प्रेजेंट किया था 1 + 1 + 1, सो लाइक दिस, सो इस तरीके से है कि है ना, अगर तीन लोगों ने जीता प्रेजेंट तो 3 बार 1 आएगा, बाकी 3 बार 0 आ जाएगा, तो वैसा है, तो मुझे x इस तरह से अब डिफाइन कर दिया हम, कि x की वैल्यू 1 काउंट करेंगे, अगर ith पर्सन पहला पर्सन जीतता है तो x1 की वैल्यू 1, नहीं तो x1 0 है, पहला दूसरा पर्सन जीतता है, इस तरीके से, अब हमें क्या इंटरेस्ट है यहाँ पे, e जैसे पहले मैं चलो ex निकालने से पहले मैं आपसे अगर पूछूं कि प्रोबेबिलिटी x = 1 के क्या चांस, x1 = 1 X1 मतलब पहला आदमी जीतेगा इसका क्या चांस, अब मुझे बताओ, तो क्वेश्चन शुरू में क्या कह रहा है कि इन लोग बैठे हैं तो 6 पर्सन बैठे हैं, ईच पर्सन टॉसेस अ कॉइन, एनीवन हुज आउटकम इज डिफरेंट फ्रॉम हिज टू नेबर्स विल रिसीव अ परसेंट, ओके, सो यहां से मुझे बताओ कि जो है जैसे पर्सन 1 का आउटकम किसके किस पर डिपेंड करेगा, मतलब हेड की जगह पर्सन उनको टेल आ गया, तो उस केस में कब जीतेगा वो, सो पर्सन उनको टेल आ गया तो उस केस में फिर
सिक्स और टू पर्सन को हेड आना पड़ेगा, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी, तो दो चॉइस है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, अगर हेड आया तो उसको भी टेल आना चाहिए तभी जीतेगा। तो इस तरह से कितना आ गया फाइनल, ये सिंप्लीफाई करके कितना आ गया कैलकुलेशन, कितना है 1/4 ना, 1/4, तो मतलब ये कि हर किसी को जीतने का इतना ही चांस। ये एक्स वन का निकाला है, अब मैं जनरलाइज कर देता हूँ, तो एक्स आई फॉर ऑल आई फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो किसी भी एक पर्सन को जीतने का चांस ये है 1/4, तो हारने का ऑब्वियसली आप निकाल सकते हैं 3/4 से। तो अब क्या है, आपको यहाँ से अगर पूछ लो ई ऑफ एक्स आई, ये निकाल लेंगे एक्स आई एक्स वन है ना, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि एक्स आई इज इक्वल टू जीरो, ऑब्वियसली 3/4 हो गया ना, क्योंकि जीरो या वन ले रहा है, तो 1/4 है जब वन है वैल्यू और जीरो है जब 3/4, तो बताइए इसका मीन कितना आएगा, 1/4, तो आप करेंगे 1 × 1/4 प्लस 0 × 3/4, तो आपका ये आ गया 1/4, सो लाइक ईच एक्स आई का आ गया 1/4, और अगर ई एक्स आप निकालेंगे तो 6 टाइम हो जाएगा, क्योंकि सबका मीन तो सेम ही है ना, ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि डिपेंड कर रहा दूसरे, तो ये जो 6 रैंडम वेरिएबल्स हैं ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं, तो 6 मीन में फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपका आ गया 6/4 मतलब 3/2 मीन आ गया, या मैं अगर इसको n के टर्म में लिखता n/4 आ गया, ये ठीक है, क्योंकि ये 6 तक गया वो n तक जाएगा, तो ये n/4 आ जाएगा, n को मैंने 6 लिया हुआ है इसलिए, तो मीन तो आ गया। अब हमारा मेन काम है वेरियंस का, चलिए वेरियंस का देखते हैं। सो अब वेरियंस के लिए क्या है कि पहले मैं एक एक्स आई का वेरियंस निकालता हूँ, अच्छा उसके लिए तो फिर मुझे, क्योंकि मैं एक एक्स आई के वेरियंस का काम चलेगा नहीं, क्योंकि हमें एट द एंड तो एक्स का वेरियंस चाहिए, तो वो सम में है, तो डायरेक्टली मुझे एक्स का ही देखना पड़ेगा, क्योंकि मीन पे फर्क नहीं पड़ा ना, इंडिपेंडेंट नहीं है तो, लेकिन वेरियंस तो फर्क पड़ता है, इंडिपेंडेंट है या नहीं उसका फर्क पड़ता है, तो हमें डायरेक्टली ऐसे करना पड़ेगा वेरियंस एक्स, मतलब वेरियंस ऑफ एक्स वन से लेके एक्स सिक्स तक। अब आपको ये देखना है कि इसका क्या होगा, ये तो जब आप ओपन करेंगे आप जानते हैं क्या होगा, समेशन वेरिएंस ऑफ एक्स आई आई फ्रॉम 1 to, अच्छा ऐसे करोगे यार, ठीक है वेरिएंस ऑफ एक्स आई आई फ्रॉम 1 to 6, एक तो ये हो गया, प्लस समेशन को वेरिएंस बिटवीन एक्स आई एक्स जे, जहां आई लेस देन जे है, या अगर आप 2 times करेंगे तो क्या करते हैं हम लोग, समझ आप क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है, वेरियंस एक्स प्लस वेरियंस वाई प्लस 2 times कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई, 2 क्यों आया, क्योंकि कोवेरियंस एक्स वाई प्लस कोवेरियंस वाई एक्स है, तो वैसे यहाँ पे मैं 2 times कर देता हूँ, तो यहाँ आई लेस देन जे कर दिया, ठीक है यहाँ क्या कर रहा हूँ, आई स्ट्रिक्टली लेस देन जे, सो प्लस 2 times समेशन आई, आई इज स्ट्रिक्टली लेस देन जे, और इट कैन टेक वैल्यू 1 to 6। अब आपको ये डिसाइड करना है कोवेरियंस क्या है, बाकी तो काम हो जाए, वेरियंस तो आप निकाल लेंगे इजीली, मतलब ये ईच एक्स आई का वेरियंस तो आप निकाल लेंगे यहाँ से, क्योंकि हमें है ना ईच एक्स आई का अगर निकालना हो तो यहाँ से आप निकाल लेंगे ना, जैसे आपने मीन निकाला उस तरीके, अगर आपको ईच एक्स आई का वेरियंस पूछ लेते तो क्या होता, 3/6 डिस्ट्रीब्यूशन आप, अच्छा तो ये आएगा आपका एक्स आई स्क्वायर, नहीं चेक करो वेरियंस क्या आएगा टोटल, 3/16 सर, अच्छा ठीक है, सो वेरियंस ऑफ ईच एक्स आई आप निकालेंगे तो ये आई थिंक आता है 1/4 − 1/4 का स्क्वायर, क्योंकि ई एक्स स्क्वायर ई एक्स सेम ही रहेगा, ठीक है तो 3/16। अब मुझे कोवेरियंस चाहिए, अब यहाँ पे क्या है आपको ये देखना पड़ेगा कि जो पर्सन वन है और पर्सन टू है इसका कोवेरियंस इक्वल रहेगा पर्सन टू और पर्सन थ्री के कोवेरियंस के, हुआ ना पर्सन थ्री और पर्सन फोर का कोवेरियंस इक्वल होगा, पर्सन फोर पर्सन फाइव का कोवेरियंस इक्वल होगा, क्यों देखो अगर पर्सन वन को एच आया जिसको टी आना है ना, सो अब पर्सन वन भी जीत रहा है टू भी जीत रहा है, ऐसा कब होगा, जैसे अगर मैं बात करूं क्या काम करता है आपको ये देखना है कि ना ये एच है, जैसे इसको एच आया इसको टी आना पड़ेगा, इसको टी आना पड़ेगा और इसको भी जीतना है तो फिर यहाँ एच आना चाहिए, इस तरीके से ये है कि लाइक दिस विल विन टुगेदर है ना उस केस में, सो अगर आप ऑब्जर्व करोगे ठीक से
तो क्या होगा, मतलब आप जो रिलेशन देखो क्या, मतलब यहाँ ये है कि कोवेरियंस बिटवीन एक्स वन एंड एक्स टू ये वही रहेगा जो कोवेरियंस बिटवीन एक्स टू एंड एक्स थ्री रहेगा जो कंसेक्यूटिव है, कोवेरियंस बिटवीन एक्स थ्री एक्स फोर, कोवेरियंस बिटवीन एक्स फोर एक्स फाइव, एक्स वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव, एंड कोवेरियंस बिटवीन एक्स फाइव एक्स सिक्स, और भी है कोवेरियंस बिटवीन एक्स सिक्स एक्स वन, क्योंकि वो कंसेक्यूटिव है ना, तो ये पोजिशन बात तो बराबर ही है, आप फिक्स है पोजिशन फिक्स है यहाँ पे ऐसे तो, लेकिन आप वन टू बोलो या टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्स ये बात तो बराबर ही, मतलब सबका कोवेरियंस तो इक्वल ही होगा ना, सो ऐसे एक तरीका भी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो उस तरीके से कोवेरियंस इसका 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 तो सेम ही रहेगा फिर सिमिलरली। अच्छा मुझे बताओ वन किस किस पे डिपेंड कर रहा था, अच्छा लेकिन वन वन थ्री को भी तो इफेक्ट करेगा ना, अगर वन जीत रहा है जैसे वन कब जीते, मान लो वन को हेड आया तो सिक्स और टू को टेल आना चाहिए, और सिक्स और टू को टेल आना चाहिए तो फिर टू कब जीतेगा, मैं बोल रहा हूँ वन टू डिपेंडेंट है ना, तो टू तब जीतेगा जब यहाँ हेड आएगा तभी जीतेगा वरना वो हार जाएगा, कहने का मतलब क्या है। अच्छा वन फोर रिलेटेड है क्या, क्वेश्चन ये है कि वन फोर इंडिपेंडेंट है या वन फोर डिपेंडेंट है वन फोर से, जैसे वन पे क्या आया और फोर पे क्या आया, क्या वो एक दूसरे का इफेक्ट करेगा? नो सर, नहीं करेगा। मान लो वन पे हेड आया और फोर पे हेड आया, तो फोर पे हेड आया टेल आया वन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन थ्री से पड़ेगा, थ्री पे अगर हेड आया है ना और वन जीतेगा कब, जब वो टू पे टेल आना पड़ेगा, तो फिर थ्री पे हेड आया तो टू पे टेल आया, तो मतलब टू उससे डिसाइड होगा, मतलब वो कोरिलेटेड एक्चुअली, वन फोर से फ्री है लेकिन वन थ्री से फ्री नहीं है ना, क्योंकि थ्री का कहीं ना कहीं टू और फोर से रिलेशन है, थ्री का टू और फोर से रिलेशन है और वन का भी टू और सिक्स से रिलेशन है, तो टू बीच में कॉमन है, तो कहीं ना कहीं वन थ्री इफेक्ट होगा। सो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि सिमिलरली जब आप फाइंड कर रहे होंगे तो एक्स वन एक्स थ्री फिर कोवेरियंस, क्योंकि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्स वन एक्स थ्री बात बराबर, एक्स वन एक्स थ्री देखो या एक्स टू से आप एक्स फोर देखो, आप एक्स थ्री से एक्स फाइव देखो, या आप x4 से x6 देखो, या आप x5 से x5 के क्या है, 5 के बाद 6 छोड़ के 1 है ना, 1 है और 6, तो x6 जो है उसका x2 के साथ आगे फिर रिपीट हो जाएगा यहाँ पे, तो इन सब का इक्वल है, तो मैं अगर किसी एक का फाइंड कर लूं, मान लो इसका फाइंड करूं तो सबका आ गया, अगर मैं इसका फाइंड करूं तो सबका आ गया, तो अब मुझे ये काम है इसको निकालना फिर इसको निकालना फिर इस फॉर्मूले में हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से है ना, एक तो ये आ चुका वेरियंस और पीछे एक्साई, तो इस फॉर्मूले में पहला टर्म निकाल चुके हैं, हमें ये दूसरे टर्म की जरूरत, खोलेंगे सवाल ना, सो है ना, अगर ये टू नहीं लगाओगे तो यहाँ देखो ये फॉर्मूला ऐसा है, टू नहीं लिखाओगे जस्ट आपको यहाँ लिखना पड़ेगा आई डिफरेंट फ्रॉम जे, आपको पता है इसकी है ना, यहाँ वैसा है, टू क्यों लगाया था, क्योंकि जो एक्स कोवेरियंस बिटवीन एक्स वन एक्स टू कोवेरियंस बिटवीन एक्स टू एक्स वन दोनों सेम होता है, इसलिए हमने टू टाइम लगा के उसको एक ही काउंट किया, अगर आप टू नहीं लगाओगे तो फिर ऐसा है, तो जैसे आपको ठीक है। अब हम निकालते हैं कोवेरियंस बिटवीन एक्स वन एंड एक्स टू, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ई ऑफ x1 into x2 minus e of x1 e of x2, और ये मुझे पता है तो इसको कोई टेंशन नहीं है, सो ये तो था कि 1 by 4 1 by 4 ये था ना, तो ये आपका पता है पहले से, अब मुझे इसका ढूंढना है e of x1 x2 का, तो आपको पता है कि x1 की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, x2 की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, सो एक ही केस तो बचता है ना, जैसे x1 0 है x2 0 है, 0 हो गया x1 0 x2 1 तो जीरो हो गया, एक्स वन वन एक्स टू जीरो जीरो हो गया, एक्स वन वन एक्स वन वन, इस केस में नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी आएगी, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, अगर आप समीकरण लिखोगे एक्स वन एक्स टू प्रोबेबिलिटी एट एक्स वन प्रोबेबिलिटी एट एक्स टू लाइक दिस, सो इसमें एक वो केस बचेगा कि वन इंटू वन प्रोबेबिलिटी एक्स वन इज वन कॉमा एक्स टू इज, बाकी केस में ये जीरो हो जाएगा ड्यू टू कोएफिशिएंट, समीकरण एक्स आई पी आई ना, तो इसकी वैल्यू जीरो या वन ही है, तो एक ही केस ये वाला रहेगा बाकी जीरो, एंड माइनस दिस। तो अब बताओ मुझे ये इंटरसेक्शन है
या बीच में इंटरसेक्शन है कि x1 भी जीत रहा है और x2 भी जीत रहा है, तो बताओ ये पे फिगर बनाया जाए, इंटरसेक्शन है ना, बीच में इंटरसेक्शन है। सो सो 1 2 3 4 5 6 ये टेबल है इस तरह से। अब देखो x1 भी जीत रहा है, मतलब पहला भी जीत रहा है, दूसरा भी जीत रहा है। तो चलो एक केस लेते हैं, तो इसका जीतने से इसके साथ रिलेशन होगा और इसके साथ रिलेशन है ना, 1 2 दोनों जीत रहा है। तो चलो मान लो 1 पे हेड आया, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 6 पे क्या आना चाहिए, टेल टेल, और 2 कब जीतेगा, जब 3 पे क्या आना चाहिए, हेड। तो चलो इसकी प्रॉबर्टी निकाल देते। सो एक्स वन एक्स टू जीत रहा है ना, तो अब यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि 1 पे हेड आने का क्या चांस है, हाफ, 2 पे टेल आने का हाफ, 3 पे हेड आने का हाफ, और 6 पे टेल आने का हाफ। तो ये एक केस हुआ जब मैंने कहा कि 1 को हेड आया होगा, अगर 1 को टेल आया तो दूसरा केस, तो सारे आउटकम ऑल्टर हो जाएंगे। तो वही चीज़ है, इनटू 2 कर देता हूँ जस्ट, समझ पा रहे आप लोग, यहाँ अगर टेल आया तो यहाँ पे हेड आना पड़ेगा, यहाँ हेड आना पड़ेगा, यहाँ टेल आना पड़ेगा, दूसरा केस हो गया। सो इनटू दिस, तो इनटू 2 कर दिया मैं 2 के, यही चीज़ दोबारा ऐड करूँगा ट्वाइस, माइनस 1/4 इनटू 1/6। सो यहाँ से कितना है आपके पास, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ये आई थिंक 1/8 माइनस 1/16, तो ये 1/16 आ सकता है। ओके, तो ये सारी आउटकम्स मुझे निकल गई यहाँ से, ये सबकी वैल्यू निकल गई 1/16। अब एक और चाहिए मुझे टर्म कि कोवेरियंस बिटवीन एक्स वन एंड एक्स थ्री। फिर से आप डेफिनेशन से खोलेंगे, सो ई ऑफ एक्स वन एक्स थ्री माइनस ई एक्स वन ई एक्स थ्री। सो यहाँ तो फिर मुझे पता है ये 1/16 है, इसका कोई टेंशन नहीं है, इसका टेंशन, इसको खोलेंगे, समेशन xi x1 x2 x1 x3 इनटू प्रोबेबिलिटी एट x1 एट x3। फिर से वही है, पॉसिबल वैल्यूज x1 x3 का 0 या 1 है, तो एक ही केस में ये नॉन जीरो आएगा, बाकी तो 0 ही रहेगा। सो x1 इज 1 एंड x3 इज 1, और x1 1 का मतलब है x1 जीत रहा है, गेटिंग प्रेजेंट, x3 जीत रहा है। तो फिर सब x1 x3 दोनों को जिताना है आपको। सो फिर से केस है ऐसा, सो 1 2 3 4 5 6, सो इस तरीके से है। सो लाइक ठीक है, तो मुझे किसको जाना है, x1 को जिताना और x3 दोनों को जिताना। तो मान लो x1 को 1 आया, तो ये इफेक्ट करेगा बाकी को, तो यहाँ पे फिर इसको टेल आना पड़ेगा, यहाँ पे टेल आना पड़ेगा। अब हमें 2 से टेंशन नहीं, हमें टेंशन 3 का है, तो जीतने के लिए 3 को क्या आना चाहिए, 3 कब विन करेगा, 3 विल गेट अ प्रेजेंट व्हेन, मतलब मैंने कहा h1 को मैंने अज्यूम कर लिया हेड है, तो इधर दोनों टेल होना चाहिए ड्यू टू विनिंग ऑफ 1 पर्सन 1। तो पर्सन 3 के विनिंग के लिए क्या चाहिए, हेड। हाँ, तो यहाँ पे आना पड़ेगा, तो उस केस में इसको इफेक्ट करेगा ये 10। तो देखो 1 और 3 दोनों को जीतना है, तो कितने डिपेंड कर रहा है, 6 1 2 3 4 ये सब इफेक्टेड है। तो यहाँ से क्या होगा कि 1 पे आने का हेड हाफ, 2 पे आने का टेल हाफ, 3 पे हेड आने का हाफ, और टेल 4 पे आने का हाफ, 6 पे टेल आने का हाफ, हो गया ना, 1 2 3 4 5 मान लीजिए। फिर से दूसरा केस हो सकता है, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया 1 को हेड आ गया, दूसरा केस है कि अगर टेल आया तो सारे ऑल्टर हो जाएंगे फिर से। तो इसके 2 केसेस हैं, इनटू 2 एंड माइनस 1/16, चेक करो कितना आया, 0। सो ये आपका जीरो आ गया, चेक कट गया, 1/16 ये 0 आ गया। ओके ठीक है ना, कोवेरियंस 0 होना इंडिपेंडेंट गारंटी नहीं देता है ना, इंडिपेंडेंट है तो कोवेरियंस 0 होता है, कोवेरियंस 0 है तो जरूर इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं x1 इज इंडिपेंडेंट, सो यहां 0 आ गया। ओके, तो अब हम किस फॉर्मूले पे आए थे वापस, जो हमारा पॉइंट है, हमारा पॉइंट है वेरियंस का, वेरियंस ऑफ समेशन दिस। सो फाइनल, तो मुझे चाहिए था वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 अप टू x6, तो इन सबका वेरिएंस पहले, तो इन सबका वेरिएंस लिखेंगे, तो नॉट इक्वल टू लिख रहे हैं, अच्छा मैं पूरे आउटकम लिखूं तो क्या पड़ेगा, तो चलो चेक कर लेते हैं आराम की, यहाँ पे जैसे अगर मैं लिखूं तो क्या होगा, जैसे पेयर बना लेते हैं 1 2 1 3 1 6 तक ये होगा, फिर 2 1 2 2 तो नहीं आएगा, 2 3 आएगा, ठीक है,
सो इस तरह से 2-6 तक, फिर 3-1 होगा, 3-2 होगा, 3-3 नहीं होगा यहाँ, 3-4 होगा क्योंकि वो 3-3 वेरिएंस में जा चुका है. सो 3-6, फिर 4-1, 4-2, 4-3, 4-5, 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-6, and then 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5. अच्छा, तो हमने क्या देखा कि 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6. They have equal coherences. ये 6 टर्म है ना जिसका 1/16 आया. अच्छा, तो साथ में मुझे, अच्छा वो टर्म्स देखने पड़ेंगे मुझे ये भी. जैसे अब 6 टर्म ले रहे हैं ना, तो ये 3-2 हो गया, और कितना हो गया, 4-3 हो गया. अच्छा, ये आउटकम्स कौन से हैं, 5-4 हो गया, और कौन से रह गए जिसके एक एक का गैप है. 6-5 सारे हो जाएंगे ना, हाँ ये भी हो जाएंगे ना. So, कितने टर्म्स होगा टोटल, 12, 5 और 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और कौन से टर्म बचे, तो एक का गैप है. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, तो 10 टर्म तो ये हो गए. 30 आउटकम है टोटल, टोटल 30 है, तो ये 10 टर्म हो गए. अच्छा, तो वहां पे क्या प्रकृति है, तो सर आप और कोई टर्म है 6, हाँ 6 और 1 वाले को मतलब कोवेरियंस का 0 मान रहे हैं. अच्छा अच्छा, यहाँ एक 6-1 भी, और कौन सा है, क्योंकि कंसेक्यूटिव था ना, 6-1 था और नहीं ठीक है, ये कंसेक्यूटिव होगा. यस हाँ. तो 11 हुआ, एक और होगा, एक और टर्म होगा, ये है ना 1661. यस यस, 12. अच्छा, तो ये 12 into, ओके ओके सारे आएंगे. नहीं नहीं, ये ठीक है ना, 12 ये कंसेक्यूटिव वाले है ना, जो कंसेक्यूटिव है, मैं कंसेक्यूटिव ढूंढ रहा हूँ. 12, और इसमें कितने आए थे, इसके कोवेरियंस कितने आए थे कंसेक्यूटिव वाले, 1/16 है ना, और 6 into वेरियंस हमारा आया था, वेरियंस कितना आया था, 3/16. अच्छा ओके ओके, तो ठीक है, मैं अभी करेक्ट कर देना हूँ. ये एक्चुअली 1-2 मतलब x1 x2 है, लाइक दिस. तो कोवेरियंस टर्म को देख रहे हैं, तो ठीक है. अब बाकी जो 3 के गैप वाले थे उनके 0 हो गए, 4 के गैप वाले 0 हो गए आई थिंक. तो ये कितना दे रहा है, ये वही आंसर दे रहा है क्या, चेक करो. ये आ जाएगा तुम्हारा 30/16. सो 30 मतलब 5 into 6/16. अच्छा, तो 5n/16. ओके, तो दिस आंसर इज फाइन, इसका मतलब है. अच्छा, तो हमने यहाँ पे क्या किया, फिर फॉर्मूले में देख लेते हैं. ओके ठीक है, तो ये हमने ऐसे काउंट कर लिया, जो भी कंसेक्यूटिव x1 x2 x3 x3 x4 x4 x5 x5 x6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 6 and 6 1, क्योंकि 6 ऐसे बैठे हैं ना सर्कुलर टेबल पे, तो लाइक दे आर कंसेक्यूटिव. ये 12 टर्म्स हैं जिसके कोवेरियंस ईच के 1/16 है. ओके, और वेरियंस 3/6 था ईच xi का, तो 6 टाइम हो गया, बाकी 0 हो गया. तो ठीक है, दिस इज फाइन, नो प्रॉब्लम. ओके, सो वो फॉर्मूला देखना वैसे, लेकिन यहाँ पे ठीक है, नो प्रॉब्लम. सो लाइक 12 टाइम वेरियंस ऑफ xi, सॉरी 6 टाइम वेरियंस ऑफ xi, 6 रैंडम वेरिएबल है, प्लस टोटल कोवेरियंस xi xj, जहाँ पे एक का गैप है, वैसे वाला टर्म जहाँ पे एक का डिफरेंस है, जो कॉन्सिक्यूटिव जो है, तो ये है, इससे हो गया, बाकी तो 0 हो गया. ठीक है, सो ओके, दैट इज फाइन, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम. तो टर्म मैंने वहाँ काउंटिंग गलती की है, तो वो ठीक है, जो सोल्यूशन में जाए मतलब ठीक है ना, दिस इज फाइन. और कोई आउट अभी भी किसी को, इसमें हमने सारे टर्म ही काउंट कर लिए, 30 कोवेरियंस में टर्म है, तो 30 के 30 लिख दिए, फिर देख लिए कौन कौन सा नॉन जीरो है. दिस फाइन, यस सर. ओके, यस सर. चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 23. अच्छा, ये
xy भी रैंडम वेरिएबल विद जॉइंट पीडीएफ दिस, तो k निकालने के लिए पहले तुम डबल इंटीग्रेशन करके वन रख दोगे तो उससे आ जाएगा। अब उसके बाद बोल रहा है कि xy अगर पॉजिटिव गिवन है तो क्या एक्सपेक्टेशन होगा इसका, तो मैं जब k निकालूंगा उसका रीजन क्या होगा, उसका लिमिट क्या होगा इंटीग्रेशन का, उसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा। ग्राफ सर पोलर में चेंज करके आसानी से कर सकते हैं। अच्छा आपका आंसर आया क्या, आपने सॉल्व किया इसको? यस सर इसका आ गया था 23। जैसे पहले तो ग्राफ बना लो, तो ये आई थिंक इलिप्स टाइप का है ना कुछ, क्या है ग्राफ, इलिप्स है। सो x स्क्वायर बाय है ना राइट साइड तो वो नहीं है, x स्क्वायर अपॉन 1/4 एंड 9 अपॉन 1/9। हां तो x के नीचे 1/2 और y के नीचे 1/3। सो यहाँ पे हो जाएगा, आप पोलर में कन्वर्ट करें k आ जाएगा, फिर आपको ये सॉल्व करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इस तरह से रहा रफली में ग्राफ बना रहा हूँ, तो x में 1/2 y में 1/3। सो ये आपका 1/2, 0 होगा ना, इधर -1/2, 0 होगा, ठीक है, ये 0, 1/3 है, ये 0, -1/3, ठीक है। इक्वेशन तो वहाँ दिखाइए, 4x² + 9y² = 1, ये इनसाइड रीजन है। अब जहाँ तक एक्सपेक्टेशन वाला है तो x मोर देन 0, y मोर देन 0, आई थिंक ये वाला पार्ट है, ये है ना। तो इस पार्ट पे एक्सपेक्टेशन निकालना है। This is the reason. तो क्या होगा एक्सपेक्टेशन, क्या पूछा है, 4x² + 1 तो अगर ग्रेटर देन आउटसाइड पोर्शन हो जाएगा, सपोर्ट इज मोर देन इक्वल टू 1, तो इसको मतलब आउटसाइड पोर्शन हो जाएगा। तो एक मिनट, मोर देन इक्वल टू है तो ये आउटसाइड पोर्शन हो जाएगा, ये जो आउट है ये इसको छोड़ के सपोर्ट ये इसके बाहर है, नॉट इनसाइड, ठीक है। तो लाइक ये इनसाइड वाला नहीं होगा, ठीक है, वो लेस देन इक्वल टू था तो ऐसा, लेस देन इक्वल टू इनसाइड है, मोर देन इक्वल टू है तो ये आउटसाइड पोर्शन है, जो इलिप्स के बाहर का पोर्शन है वो आपका सपोर्ट है। अच्छा तो एक्स मोर देन इक्वल टू 0, वाई मोर देन इक्वल, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन हो गया ना, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, x more than equal to 0, y more than equal to 0. हाँ जी, किसने सॉल्व किया है, तो how did you know? क्या आंसर आया? मैंने किया था ये इलिप्स को मैंने पहले सर्किल में चेंज कर लिया था, क्योंकि 2x² + 3y² टाइप बन रहा है, तो 2x को कैपिटल x मान लिया, 3y को कैपिटल y, फिर पोलर में चेंज करके उसके बाद r² > 1 रीजन हो जाएगा, थीटा 0 से 2π। सर ये ऐसे प्रोसीड किया था तो मतलब आसानी से हो गया था, क्योंकि और अंदर भी जैसे एक्सपेक्टेशन निकालना है ना, तो 4x² + 9y² है, तो ये भी सर r² ही बन जा रहा है। ओके हाँ ये तो बन जाएगा, तो उस हिसाब से ये तो ऐसे कर लो ना, जैसे क्या होता है x बराबर होता है, तुम जब इसको पैरामेट्री में कन्वर्ट करते हो तो क्या लिखते हो वहां पे, a cos theta, तो a मतलब हो गया तुम्हारा 1/2 cos theta, चेक करो ये, y बराबर 1/3 sin theta, चेक करो सैटिस्फाई कर रहा है क्या, ये यहाँ पुट करके देखो करेगा भाई, तुमने तो किया तो ग्रुप में थोड़ा भेज देना कर रहा है। तो मैं बोला था जिसने किया था ग्रुप में भेज देता। सो अगर तो वैसे इंटीग्रेट करोगे 4x² + 9y² × PDF dx dy, so यहाँ तुम इस रीजन में इंटीग्रेट करो, ये पॉजिटिव जो है ना, पॉजिटिव वाले रीजन, सो यू कैन टेक लाइक दिस। तो यहाँ तुम जैसे dx है तो x का क्या लेंगे, थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा तुम्हें तो उस रीजन को ना, x अगर तुम लिखोगे तो x की वैल्यू इस कर्व से यहाँ तक है, कब, जब y इस रीजन में, दो पार्ट में करना पड़ेगा अगर वैसे देख के करो, ये सर्कल में कन्वर्ट कर लोगे हाँ, तो वो कर सकते हो कि मान लो 2x को फिर तुम y मान लो पहले, 2x को कैपिटल x, जैसे वो बता रहा है 3y को कैपिटल y, तो ट्रांसफॉर्मेशन है मैथमेटिकल है, तो उससे में भी हो जाएगा, जैसे 2x को कैपिटल x
और 3y और कैपिटल y, उससे कर ट्रांसफॉर्म करके तो फिर वो उस तरह की इक्वेशन आ जाएंगी ट्रांसफॉर्मेशन में ना। तो जैकोबी निकाल के भी कर सकते हो तुम, अगर चाहो तो वैसे करना है तुम ट्रांसफॉर्म करके इसको पहले ट्रांसफॉर्म कर लो और उसके बाद तुम इंटीग्रल में ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होगा शायद, इंटीग्रल कैलकुलस में है ये, है ना इंटीग्रल कैलकुलस में ट्रांसफॉर्मेशन की वेरिएबल कैसे करते हैं, तो वो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन करना, तुम्हें रीजन बता ही दिया तो उसको इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन करो, अब कैसे इंटीग्रेट करो, इस रीजन पे इंटीग्रेट करना है तुम्हें इस क्वांटिटी को, तो इंटीग्रल कैलकुलस करना पड़ेगा। ट्राई करके देखता हूं बाद में बोलूंगा। हां इंटीग्रेशन करो, ये इंटीग्रेशन देखो जिसने किया इंटीग्रेशन जस्ट अब करना है कि आपको इस क्वांटिटी इनटू करनी है। हाँ नेक्स्ट बताओ, तो इसको इंटीग्रेट करना आप इस रीजन पे करो इंटीग्रेट, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके या सर्कल बना के या वैसे करके रूप में भेज दिया, सॉल्यूशन थोड़ा गंदा है, कोई नहीं जिसको समझ आता है ठीक से करके भेज दो या एक बार तुम ही ठीक से लिख के एक बार भेज देना ताकि समझ आए लो। ठीक तो 28 बताओ। ओके थीटा तो इसमें क्या वो फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला नहीं है हो जाएगा। ये बताओ वेरिएंस, ये तुम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को नया नाम दे दो, x1 x2 x3 या y1 y2 y3 y4, ये बताओ तुमसे पूछा जाता है वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y, तुमने पढ़ा है ना, प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ x गिवन y, सो क्या इक्वल है इसके, वेरिएंस ऑफ x, हां ये वेरिएंस ऑफ x है तो उससे नहीं आ जाएगा, चेक करो पहला ऑप्शन को मैं करके देखता हूं। So, पहले ऑप्शन में क्या है 2x3 है, 2x3 को मान लो y1 है और x5 को y2 बोलते हैं, तो वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस प्लस ओके, तो वेरिएंस ऑफ 2x3 ओके, मैं लिखता हूं पहला ऑप्शन वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x3 गिवन x5 प्लस, या ये छोड़ो मैं सीधा तुमसे अगर ये पूछ लूं कि वेरिएंस ऑफ 2x3 इन दोनों में कौन सा लार्जर है, क्या लगाऊं बीच में, लेस मोर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, ये गिवन का साइन तो लेस देन इक्वल टू, ठीक है क्योंकि ये ज्यादा है क्योंकि इसमें दो टर्म आप देखेंगे, यहां से अगर देखेंगे तो दिस प्लस दिस, यहां सिर्फ ये लिखा गया और ये लिखा गया, तो दिस क्वांटिटी इज मोर देन पर्टिकुलर इंडिविजुअल टर्म, तो ठीक है। अब देखो इससे गलत नहीं होगा पहला ऑप्शन से ही, तो वो तभी नेगेटिव नहीं आएगा, वेरिएंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो जो भी क्वांटिटी आएगी वो पॉजिटिव ही है, इसकी वैल्यू जो आएगी वाई का फंक्शन आएगा वो वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन वाई जो है, और स्टिल वो टर्म आपका चेक करना पॉजिटिव ही रहेगा, ऐसा केस देखना, ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या जहां पे वो ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होगा सर, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो नेगेटिव ही हो सकता है ना। Yes, expectation is positive, but when x is positive, expectation of x is positive. Okay, yes. Sir. So,
अब देखो अभी आराम से लिख रहा है वेरिएंस ऑफ 4x3। अब ऑप्शन में पूछ लो इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में रिलेशन बताओ मुझे जो ऑप्शन ए में यूज किया है। ए से कम होगा, ये वाली क्वांटिटी कम होगी ना, तो इसका जस्ट अपोजिट किया है, पहला ऑप्शन गलत है। अब देख रहे हो कि ये जो क्वांटिटी है ये इससे छोटी ही होगी क्योंकि ये वाली इससे छोटी है, तो ए बी से छोटी है, बी सी से छोटी है, तो ए को सी से छोटी होनी पड़ेगी। सो ए इज लेस देन सी, सो बट वहां मोर देन इक्वल टू लिखा इसलिए गलत है। सिमिलर लॉजिक से आई थिंक बी गलत है, सिमिलर लॉजिक से सी गलत है, एक ही लॉजिक से ए बी सी तीनों गलत हो गया इसी लॉजिक से, तो डी बचा। और डी भी क्या है, एक मिनट, ये सारे ऑप्शन गलत है क्या इसमें? ये क्या है, एक ही ऑप्शन लिख रखा है क्या तीन बार? इस हिसाब से सर सब गलत हो गए। अरे एक मिनट, ए बी सी डी आप सबको भी सेम दिख रहा है क्या? यस सर, बी सी डी सेम ही ऑप्शन है ना। अच्छा तो ये इसने मिस कॉपी पेस्ट के चक्कर में गलती किया है, वही सर थोड़ा मिस्टेक लग रहा था मेरे को भी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ओके तो स्ट्रिक्टली मोर देन सीली तो सेम ही स्टेटमेंट एग्जैक्टली दी में, चलो इक्वल टू लगा रखा है। लगता है सी वाला बी वाला सी या सी बी वाला लगता है लेस देन होगा, उसके बाद ये हो सकता है। इसने कुछ गलती किया इस ऑप्शन में, कॉपी पेस्ट में ऐसा किया है तो इसमें कुछ गलती ऑप्शन है, बट ऐसे आप कंपेयर कर लोगे ठीक है ना, तो कुछ ऑप्शन बनाने में गलती की है, चेंज नहीं किया टाइप, इसने वो गलती किया टाइप करने में, तो लेस देन होना पड़ेगा ट्रू होने के लिए ठीक है ना। ये गलत ऑप्शंस गलत है, तो 25 ये एक्चुअली ये आउट ऑफ सिलेबस है, कोरिलेशन क्वेश्चन ऐसा था, सो इस तरह क्वेश्चन नहीं आएंगे जैम रिले कोरिलेशन से। जैम में सिर्फ जो आएगा वो जो आएगा वो सिर्फ तुम्हें लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन एस्टिमेटर ही पूछेगा, फार्मूला जो है ना दो फार्मूला एस्टिमेशन ऑफ बीटा नॉट एंड बीटा वन वही उस पे ही आएगा, उससे अलावा कुछ नहीं आएगा, तो ये सब नहीं आएगा सर। वैसे अगर लीस्ट स्क्वायर भी देखा जाए, अगर इसमें बीटा नॉट और बीटा वन ही निकालने को पूछा जाए सर, सर ये हम उस फॉर्मूले से निकाल लेंगे तो इसमें से कोई एक हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ओके तो फिर उस हिसाब से हम ऐसे कह सकते हैं कि कोरिलेशन हमेशा जीरो ही आएगा क्योंकि कोवेरियंस जीरो हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं, इसको थोड़ी मिल जाए उसमें एक फॉर्मूला होगा तो वो देख लो, इसका कुछ फॉर्मूला है, जीरो हमेशा नहीं होगा। 4 का कह रहा है कि थीटा जो है हाफ से वन में है तुम्हारा, फिर चेक करो ये पीडीएफ है, इंटीग्रेशन चेक करना 1 0 1 1 आ रहा है तो देने में लिखा रहा है क्या होगा है ना, देखो पहले वेरीफाई कर लेंगे पीडीएफ है कि नहीं, अभी मान लेता हूं मैं पीडीएफ है तो मैं करता हूं आगे, सो फर्स्ट यू वेरीफाई। पीडीएफ नहीं होगा तो सर क्या करें, क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना, क्योंकि फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो मार्क्स तो ऑल हो जाएगा, जैम में मार्क्स तो ऑल हो जाएगा ऐसा हुआ तो चीज है। सो चेक कर लेते हैं, चलिए तो ईमेल ही निकाल लेते हैं यहां पे, तो हम लोग जानते हैं लाइकलीहुड फंक्शन, सो दिस इज जस्ट प्रोडक्ट ऑफ एंड तो बताओ क्या है थीटा अपॉन थीटा माइनस वन जैसा है, एक्स आई की पावर 2 θ-1 / θ-1 चेक करते हैं। अच्छा थीटा माइनस वन माइनस थीटा है, थीटा अपॉन ये 1 - θ और यहाँ भी आई थिंक 1 - θ है,
ठीक है, चेक कर लो बार, यही है पीडीएफ। अब क्या हो गया कि लाइक्लीहुड फंक्शन जो है आपका ये थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा की पावर n हो गई, प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई 2 थीटा माइनस 1 इनटू 1 माइनस थीटा है। अरे इनटू है या अपॉन है, बट इन ये अपॉन दिख रहा है मुझे, तो चेक करो अपॉन है सर। वो उसने टाइपिंग वाले में ना फ्रैक्शन ना लगा के वो स्लैश लिखा है, वो बहुत छोटा है, दिखाई नहीं मिला सर। हां हां वो बीच में स्लैश लगा हुआ है, स्लैश का मतलब डिवीजन है। ओके सर, दिखाई मिल गया, ठीक है ना, हो जाएगा। तो कर लोगे इसको अपन वन में, वैसे ही है। अब क्या करेंगे, लॉग ले लेते हैं इसका। सो लॉग लाइक्लीहुड कर लो, और लॉग ले लोगे क्या हो जाएगा, एन लॉग थीटा अपॉन वन माइनस थीटा प्लस टू थीटा माइनस वन अपॉन वन माइनस थीटा। ऐसा सपोर्ट डिपेंड तो नहीं कर रहा ना पैरामीटर पे, क्वेश्चन है ध्यान नहीं दिया, नहीं कर रहा ना। तो So, यहाँ पे ये आ गया आपके पास, और log of product of x size, तो बाद में summation में convert कर लो। तो यहाँ तो theta हमारा important है यहाँ पे, तो है ना, जैसे suppose z theta है। So, here theta is important। अब आपको क्या करना है इसमें, क्या problem आ रही है, जैसे अगर आप differentiate करो, z dash theta निकालो, zero put करो, उस theta आएगी इसके term में, और आपको x1, x2, x3, x4 पता है, put कर दो, या इसको break कर सकते ना, ये हो जाएगा summation log x i। वैसे भी कर सकते, इस टर्म को पर्टिकुलर लिखना है, सुनहर करना क्या, इसको डिफरेंशिएट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, कोसाइन रूल लगा लो, या इसको ब्रेक कर लो, लॉग थीटा माइनस लॉग वन माइनस एक्स आई पर एक लाइन और लिख देना है। अगर आपकी आवाज कट के आ रही, पता नहीं मुझे ही आ रही है सबको ऐसे। सो समेशन ऑफ लॉग एक्स आई, एन तो फोर है ना हमारा, तो यहाँ से अब मैं कह रहा हूँ कि हम जस्ट डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो हमें जी डैश थीटा निकालना है, एन टाइम वन बाई थीटा, ये हो जाएगा है ना, ठीक है, और प्लस में अब यहाँ कोसाइन रूल लगाना पड़ेगा, कोसाइन रूल लगाओगे तो टू टाइम वन माइनस थीटा माइनस टू थीटा माइनस वन इन को सैंपल वैल्यू जीरो दे रखी है, अगर दे रखी है क्या, तो अच्छा एक तो जीरो ही है, इसका मतलब ये हुआ पैरामेट्रिक स्पेस में नहीं है, अगर बी दे रहा है ये साफ, अच्छा तो बाहर हो गया, यहाँ एक्स जीरो से वन में इक्वालिटी लगाया नहीं है, तो ठीक है अभी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ एक्स आई में वही कंसिडर करना है, अच्छा तो वो मिस्टर मुझे लगता है फिर से ऐसा नहीं होगा कि जो पैरामीटर स्पेस के बाहर, अदरवाइज में होगा ना सर, जीरो हो जाएगा, सही। तो रियलाइजेशन ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 4, सो 1 2 3 4, तो लेकिन आप पुट क्या करोगे, आपको तो बाद में वैल्यू पुट करनी, x3 की वैल्यू आप क्या रखोगे, 1 2 3 4 5, अच्छा एक मिनट, 1 2 3 4 5 साइज 4 लिखा हुआ है और 5 सैंपल है, 2 को 0 को इग्नोर करो, वो 0 गलती से आ गया, 1 2 3 4 सैंपल साइज 4 है ना, तो चार ही वैल्यू होगी, 5 दे रखे उसने, तो ये फिर से मिस्टेक है हमारी सही से, मतलब 0 नहीं होगा, 0 बाय मिस्टेक हो गया है, 1 2 3 4, ठीक है, तो 0 को इग्नोर करो आप, तो चार वैल्यू का सेट करना, x1 x2 x3 x4, तो 0 हटा दो, तो उससे होगा। सो इसको मैं भेज देता हूं, बता देगा, ओके, सो लॉग समेशन लॉग एक्स आई, ठीक है ना, अब करने लोगे इसको क्या करना है, जीरो पुट करो उससे थीटा निकल पाएंगे, सो जी डैश थीटा ट्राई करना, और पुट कर दो वैल्यू यहाँ चाहो तो पुट कर दो, अभी पुट कर दो, और एन भी फोर है पुट कर दो, तो उससे आप कोशिश करना थीटा निकालना, उससे कर रहा था, बोलिए और क्या बोल रहे, एक तो डिविजन था, दूसरा यहाँ जीरो इग्नोर करना सर, इसमें नहीं मतलब अगर ऐसे कभी जैसे इसमें लाइक्लीहुड बनाना है जी, तो सर एल बनाया उसमें हम जैसे देख पा रहे हैं कि थीटा की जो पैरामीटर की जो वो गिवन है कि 0.5 से 1 तक रेंज, तो सर उसमें डायरेक्ट 0.5 पे दिख रहा है कि एल मैक्सिमम हो रहा है, तो वहां से डायरेक्ट कर सकते हैं हम,
इसमें भी और मतलब अगर और किसी लाइक्लीहुड में भी अगर डायरेक्ट हो रहा हाँ अगर थीटा का पैरामीटर स्पेस दे रखा था पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे क्रिटिकल पॉइंट इस बीच में आना चाहिए अगर नहीं आ रहा तो उसको इग्नोर करेंगे जो इस बीच में आ रहा है तो उसको काउंट करेंगे नहीं आ रहा तो इग्नोर करेंगे अगर मान लो कोई वैल्यू आई जो इस बीच में नहीं आउट करो तो फिर एंड पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा और यहाँ भी जीरो से वन पे इन्होंने इक्वलिटी लगाना चाहिए था एनीवे तो ठीक है 0.5 अगर मैक्सिमम 0.5 आंसर हो जाएगा लेकिन आपको देखना है ना वहाँ वो भी दे रखा है ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी दे रखा है उसका यूज है क्या So, उस केस में अगर उसके टर्म में आ रहा तो देखना पड़ेगा मतलब yes. क्या होता है ये बिल्कुल कैलकुलस जैसा क्वेश्चन है कि जैसे मान लिया आपके पास लाइक्लीहुड फंक्शन थीटा का फंक्शन है तो मुझे थीटा ही कुछ वैल्यू आएगी एक्स आई के टर्म में ये वैल्यूज मैं पुट करूंगा जो मुझे दे रखा है उससे एक आंसर आएगा और यहाँ थीटा का एक इंटरवल है तो उस इंटरवल में अगर वो आ रहा है तो वी कंसीडर नहीं आ रहा तो इग्नोर करेंगे अब अगर आ रहा है तो फिर एंड पॉइंट के साथ चेक करेंगे जो वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट आया वो और एंड पॉइंट तो देखेंगे किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है अगर हो सकता है हाफ पे मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हूँ ये चीज है तो हो सकता है क्रिटिकल पॉइंट आउटसाइड आ रहा है उससे तो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा बट वो कैलकुलस जैसा कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ के बाद कैलकुलस हो गया ये क्या है अब कैलकुलस का कॉन्सेप्ट हो गया जी डैश थीटा आपका जीरो रखो एंड आपको देखना है कि क्रिटिकल पॉइंट से आ जाएगा थीटा क्या आया और एक आपको दे रखा है 0.5 सही से मुझे 1 पे क्लोज देना चाहिए था स्टिल आप चेक नहीं करी सो ये है तो इस बीच में आना चाहिए थीटा नहीं यार एंड पॉइंट पे भी चेक करेंगे हम देखें किस पे मैक्सिमम है तो जस्ट लाइक ए कैलकुलस क्वेश्चन कि आपको ये मैक्सिमाइज करना है जी थीटा को ठीक है तो ये मतलब अलग ही तो लाइक्लीहुड करना है ऐसे तो लेकिन जी हमें हेल्प कर रहा है कैलकुलेशन करना है हमें तो मैक्सिमाइज इसको करना लॉग लिया जस्ट क्रिटिकल पॉइंट निकालने के तो इसको आप कैलकुलेट करो थीटा निकालो तो आएगा उसके बाद 24th और बता दो हाँ 4 each n more than equal to 1 assume we have discrete random variables x1 x2 xn that are iid further each xi is uniform अच्छा डिस्क्रीट है पहले तो आईडी है और डिस्क्रीट आईडी है ना डिस्क्रीट यूनिफॉर्म ओवर द सेट -1 है अच्छा ईच एक्स आई आर आईडी यूनिफॉर्म -1 सेट पे है तो बोल रहा है कि दिस तो लगा लेते हैं इंटरसेप्टेड है ना सेंट्रल लिमिट थ्योरम तो मीन क्या आएगा आप देख पा रहे हैं मीन 0 हो जाएगा कि यूनिफॉर्म है ना तो -1 पे हाफ 1 पे हाफ टू पॉइंट है तो हाफ हाफ तो मीन ईच एक्स आई का जीरो होगा वेरिएंस कितना आएगा चेक करो तो आई थिंक 1/2 + 1/2 1 वेरिएंस ईच एक्स आई का वेरिएंस समझ पा रहे हैं आप लोग मैं कह रहा हूं कि जो 24 है वो बोल रहा है कि ईच एक्स आई की वैल्यू -1 होने की हाफ प्रोबेबिलिटी है और ईच एक्स आई के 1 होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है कैसे पता चला यूनिफॉर्म है ओवर दिस सेट यूनिफॉर्म डिस्क्रीट तो 2 पॉइंट है तो 1/2 और आप यहां से ईच एक्स आई का मीन निकालोगे 0 आएगा वेरिएंस ऑफ ईच एक्स आई निकालो 1 आएगा चेक करो आप और उसके बाद आपको बोला गया है प्रोबेबिलिटी लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी समेशन ऑफ एक्स आई मॉड आई थिंक इसका दिस इज लेस देन इक्वल टू more than equal to √(n/3) so more than equal to √(n/3) चलिए इसमें क्या करते हैं अब समेशन का हमें मीन निकालना है समेशन का मीन कितना आ जाएगा 0 ही ना yes, तो बोलते कितने भाई सो मोड हटा दे पहले मोड हटा देते हैं yes, या नहीं हटाना कोई दिक्कत नहीं So, अगर summation xi i from 1 to n इसका mean 0 बता दिया standard deviation बताओ summation xi का standard deviation 1/√(n) एक मिनट just root n तो ये √(n/3) -0/√(n) ये आपको ऐसे थोड़ा problem हो रहा होगा root खोल देते हैं तो वैसे है ना तो एक केस ये है this more than equal to this और लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी प्रोबेबिलिटी और लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ दिस
सो समेशन एक्स आई जो था दिस इज लेस देन इक्वल टू माइनस रूट एन अपॉन थ्री, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो अपॉन रूट एन यही होगा, तो बात बराबर ही था। सो अब जस्ट डिवाइड करना था, वैसे भी करते जस्ट यू नीड टू जस्ट डिवाइड बाई रूट एन, समझ रहे ना आप। तो मैंने मॉड को खोला है, मॉड नहीं खोलोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज ऑफ कोई घटाना वो नहीं है, तो आप घटाने की जरूरत नहीं क्योंकि मीन जीरो ही है। जस्ट आप ये समझो कि हम इसमें रूट एन से डिवाइड कर रहे हैं, वी आर जस्ट डिवाइडिंग बाई रूट एन। तो ये फाइनली आ गया लिमिट एन टेंस टू थर्टी, मतलब ये ओपन कर लेना बिल्कुल बेटर लगे। सो ये हो गया तुम्हारा मॉड सेड मोर देन इक्वल टू वन बाई थ्री, अब नहीं आ जाएगा बंदे। यस सर, इसमें मतलब डाउट ये था मेरा कि जैसे सर यूनिफॉर्म इसमें गिवन है ओवरसेट माइनस वन टू वन, हाँ तो सर वन एक तो ये ले सकते हैं हम कि वन और माइनस वन पॉइंट लेके करा है, सर डिस्क्रीट है तो बीच के, या तो रैशनल नंबर भी तो ले सकते हैं हम जैसे वन वन बाय टू ऐसे करके। नहीं देखिए दो तरह के डिस्क्रीट होते हैं, दो तरह के यूनिफॉर्म होते हैं, एक यूनिफॉर्म डिस्क्रीट का होता है और एक यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस का होता है, ठीक है। तो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म मान लो आपको सेट देता है वन टू एन, तो यहाँ क्या है ईच एक्स आई इज इक्वल टू आई, इनमें से आई ले रहा हूँ, इसकी वैल्यू वन बाई एन, चाहे आई की वैल्यू वन टू अप टू एन, ये जो पॉइंट्स हैं उसी पॉइंट पे मास होगा जिस सेट पे आपको यूनिफॉर्म बोला है उस पॉइंट पे ही मास होगा, बीच में मास नहीं, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म का मतलब वो हुआ। और कॉन्टिन्यूस में आप देखते हैं ऐसा लिखा रहता है इंटरवल पे होता है, ये यूनिफॉर्म डिस्क्रीट पे ऐसा लिखा होगा और यहाँ इंटरवल होता है, तो यहाँ आप जानते हो कि ये पीडीएफ होता है वन अपॉन वी माइनस ए, जहाँ एक्स की वैल्यू ए से बी, तो ये कॉन्टिन्यूस का यूनिफॉर्म है डिस्क्रीट का यूनिफॉर्म, क्या इन आपका इस सेट पे मतलब। हाँ उसमें वो सेट में मैं वही कंफ्यूज हो रहा था कि मतलब बीच वाले मतलब 1 बाय 2 जैसे वो होता है ना 1 1 बाय 2 1 बाय 3 फिर ऐसे करके 1 बाय n करके हो जाता है डिस्क्रीट में भी। हाँ उस सेट में आता है, लेकिन यहाँ पे ये वो इंटरवल नहीं है जैसे वो आप कर्ली ब्रैकेट है, ये जस्ट सेट है कर्ली ब्रैकेट। यस सर। नेक्स्ट बताइए। सर 32 32 मतलब ये वाला। सो x1 x2 x3 में रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन विद डेंसिटी फंक्शन दिस, देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है कि ये 1 बाय n log summation 1 प्लस xi जो है अनबायस एस्टिमेटर है 1 बाय थीटा का, अच्छा तो इसका मीन निकालना पड़ेगा, अब ये लॉग में समेशन है अंदर में, वन बाई इन समेशन दिस इज अनबायस फॉर थीटा, तो बी में तो प्रॉब्लम नहीं है, बी तुम कर लोगे इजीली चेक कर लोगे। एक्चुअली क्या है ना, ए जिसने बनाया है ना वो बी ऑप्शन जैसे करेक्ट था तो उसने बी को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश किया है, इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। लॉग ए प्लस बी का कोई फॉर्मूला होता है? अच्छा तो ये x क्या है, पहले x क्लियर करता हूं, तो x मैं मान लेता हूं डेंसिटी का x पॉपुलेशन का x है। सो नहीं, इसने सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव बनाया इस चक्कर में। अब a ऑप्शन में प्रॉब्लम ये है कि हाउ विल यू फाइंड द मीन। यस सर, ही प्रॉब्लम आ रहा था, बाकी दो तो निकल जाएगा, क्या मारो निकलते वक्त c और d, और b में ही प्रॉब्लम आ रहा था। D तो इजी, B में हो जाएगा, E लगाओ तो 1 by n, E inside चला जाएगा, log 1 plus xi का निकाला जा सकता है, distribution 1 plus x का distribution निकाल दिया, directly कर सकते हैं। B हो जाएगा, B में इजी है, just you take expectation of T, problem A में आएगा, और A में क्या है, इस तरह कोई question रहा नहीं होगा, उसने बनाया चेंज करके B को ही, so but still if you think ये कैसे करेंगे, हम इसका mean कैसे निकालें, तो अगर तुम ऐसे सोचोगे, so 1 plus x1 plus x2 plus 3,
रैंडम सैंपल है, मतलब इंडिपेंडेंट है, तो दे आर इंडिपेंडेंट. एक तरीका ये होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालो सम का पहले, तो कि वन प्लस एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, फिर वो खुद रैंडम वेरिएबल हो जाएगा. अच्छा किसने फाइंड किया है? फर्स्ट ऑप्शन है मीन. मतलब ए ऑप्शन में अगर तुम मीन निकालना चाहो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी, तो हाउ विल यू कैलकुलेट? लॉग इस को तुम अगर ब्रेक करोगे लॉग में, समझने का फॉर्मूला होता है, लॉग ए प्लस बी का कोई फॉर्मूला नहीं है. सो इफ यू वांट टू रिमूव इट, तुम उसको वैसा कर सकते हो कि ई उधर ले जाओ, एन टी ई की पावर एन टी इज इक्वल टू समेशन वन प्लस एक्स आई, बट वो ई की पावर एन टी हो जाएगा, हमें तो टी का मीन चाहिए. हाँ इसमें कुछ गलत किया ऑप्शन में, क्योंकि इस तरह का टर्म का मीन निकालना डिफिकल्ट आई थिंक सो, क्योंकि हाँ बोलो फाइंड अगर चलो ट्राई कर भी ले जैसे होगा ई ऑफ लॉग लग जाएगा, अब लॉग के अंदर ई को कैसे ले जाओगे तुम? दिस प्रॉब्लम दिस इनटू उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? नहीं नहीं ए ऑप्शन में कुछ गलती है, उसमें कुछ ऐसे बनाए हैं, सो इन बी को ए में चेंज किया, समझते हैं इधर कर दिया, दैट इज द प्रॉब्लम. तो वो उसको चेंज करने के चक्कर में वही प्रॉब्लम, और किसी को कुछ लग रहा है तो बताओ. ये ऑप्शन थैंक यू, मतलब रॉन्ग इन द सेंस कि ये मुश्किल है निकालना. फाइन सर, ऐसे नहीं हो सकता सर, तो जैसे ये की पावर एन टी का निकाल लेंगे अपन, फिर एम एक्स टी आ जाएगा सर वहाँ, फिर एम एक्स टी को डिफरेंशिएट करके जब तुम किसका एमजीएफ निकालोगे, टी का किसका? ई की पावर एन टी का सर. अच्छा ई की पावर एन टी जो है वो समेशन वन प्लस एक्स आई. अच्छा E की पावर एन टी का एम जी एफ निकालेंगे, हमें तो T का मीन चाहिए, तो T का मीन निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे? वही मैं बोल रहा हूँ सर कि एक्सपेक्टेशन ऑफ E की पावर एन टी का निकालेंगे तो वो आएगा सर एम एक्स टी के इक्वल, अगर एम एक्स टी को डिफरेंशिएट करेंगे T इक्वल जीरो पे तो आ जाएगा सर एक्सपेक्टेशन ऑफ. तो यहाँ से मेरे पास E की पावर एन टी है समेशन वन प्लस एक्स आई, ये है. अब आप ये कह रहे हो कि मैं क्या करूं, इसका एक्सपेक्टेशन लो ई की पावर एन टी है ना. तो ये एन टी टी यहाँ रैंडम वेरिएबल है, वहां जो आप टी देखते हो एम एक्स टी में जो टी होता है वो एक जस्ट एक फंक्शन के वेरिएबल है, कॉन्स्टेंट लाइक हाँ मतलब वेरिएबल इन अ फंक्शन है. सो लाइक इसका डेफिनेशन आप अगर कंटिन्यूअस में लिखते हो सो e की पावर एक्स टी इंटू एफ टी, सो ये चीज है. तो यहाँ पे आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये एम एक्स टी है, ओके एम एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर टी एक्स, बट ये एम एक्स टी हम कैसे बोल पाएंगे बिकॉज ऑफ ये n है, यहाँ x भी नहीं है, वो दिस इज n इट्स नॉट x, एक्सपेक्टेशन ऑफ x t होता है तब आप बोल सकते हो दिस इज नॉट x इज n. x को रिप्लेस करेंगे t से, मतलब t को x से और n को t से, ऐसा कुछ कह रहे हो tx. बट ये t का फंक्शन क्यों आएगा, पर तो n का फंक्शन आएगा, अगर तुमने n की जगह t रखा है. नहीं अगर आपने सॉल्व किया तो आप भेजो, इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें स्टिल. सो मैं ये बोल रहा हूँ कि दिस समथिंग रॉन्ग इन ऑप्शन ए, सो मैं तो नहीं निकाल पाऊंगा एक्सपेक्टेशन ऑफ t. अगर किसी ने सॉल्व किया यू जस्ट सेंड इट. इसका जी ऑप्शन बता दीजिए कौन सा, डी. अच्छा
सो डी जो कह रहा है एक्चुअली कि एक्सपेक्टेशन लॉग वन प्लस एक्सपोजर, देखो ये तो निकालना मतलब जस्ट आप एक्सपेक्टेशन डेफिनेशन लगाओ, अब एक्स यहाँ इसका क्या मीनिंग है, एक्स पॉपुलेशन मीनिंग है, जस्ट रिपोर्ट। सो यहाँ पे अगर आप डी ऑप्शन करेंगे कि एक्सपेक्टेशन लॉग वन प्लस एक्स होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर बोला ना, वन प्लस एक्स, सो इसमें क्या है लॉग वन प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर, पीडीएफ आप लिख लीजिए। सो थीटा वन प्लस एक्स की पावर माइनस में वन प्लस थीटा, थीटा वन प्लस एक्स की पावर माइनस में वन प्लस थीटा डी एक्स, एक्स क्या जीरो से इनफिनिटी, तो अभी तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया, देखते हैं। ठीक है, जीरो से इनफिनिटी है, तो करो इसको इंटीग्रेशन करो, क्या दिक्कत है, वन प्लस एक्स को कुछ सब्स्टिट्यूट कर लो। सो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट लाइक फॉर एग्जांपल मान लो यू इज इक्वल टू वन प्लस एक्स, सो डी बराबर डी एक्स हो गया, सो यहाँ से आ गया लॉग यू का होल स्क्वायर थीटा यू की पावर माइनस में वन प्लस थीटा डी यू, डी एक्स और डी यू सेम रहेगा, जस्ट लिमिट चेंज जाएगी, यहाँ वन टू इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि एक्स जीरो से इन्फिनिटी था तो u की वैल्यू 1 टू इनफिनिटी हो जाएगा सर। अब तुम्हारे पास थीटा आउटसाइड है, अब आपको जस्ट इंटीग्रेट करना है, आपको देख हो जाएगा, यस सर। तो जस्ट आपको ट्राई करना इंटीग्रेट करने का, सो मतलब इंटीग्रेशन हो गया आपको, जस्ट इंटीग्रेशन। सर क्वेश्चन नंबर 21 पीछे, ओके तो ये कोई फॉर्मूला है, डेरिवेशन देखना पड़ेगा या ये पहले भी यूज हुआ एक बार याद। सर इसका बी ऑप्शन होगा, सर बी ऑप्शन में ये 2 है वो नीचे होगा बस, ये तो ऑप्शन गलत है। अच्छा ऑप्शन गलत बना है, तो ये एक बार जस्ट ऐसा फॉर्मूला याद करना, ये क्वेश्चन अभी पिछले कुछ क्लास पहले भी आया था, एक्सपेक्टेशन ऑफ सिग्मा क्या होता है, जैसे आप जानते हो कि सॉरी एक्सपेक्टेशन ऑफ एस क्या होता है, जैसे देखो आप ये फॉर्मूला है, जैसे हम ड्राइव करना पड़ेगा तो प्रूफ मिल जाएगा बुक में आपको, मे भी किसी बुक में मिल जाएगा, या तो कैसेला बर्गर में या ये मे भी उसमें भी साउंड हो सकता है, जैसे आप जानते हो ना एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर जो होता है वो सिग्मा स्क्वायर होता है, तो इस तरीके से एक्सपेक्टेशन ऑफ एस का एक फॉर्मूला है वो देखना पड़ेगा आपको, मिल जाएगा तो वो फॉर्मूला याद रखना सीधा, उस तरह से ऑप्शन ने बना दिया उसी फॉर्मूले को, उसका प्रूफ भी होगा मे बी बुक में, जहाँ तो मुझे याद है इंस्पेरेंस में था, मैं लिख देता हूँ तो मुझे याद है, हाँ तो ये वहां दे रखा था एस्टिमेशन वाले टॉपिक में, मुझे याद है वो दे रखा है ए ऑफ एस क्या है। सो वो एक चेक कर ला, जिनके पास है वो जस्ट यू सेंड इट ग्रुप में भेज दो, ठीक है, ये बुक में मिल जाएगा तुम्हें, मुझे जहाँ तक मैंने देखा है, ठीक है, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना, कोई भेज दो फॉर्मूला, हाँ कोई भेज दो फॉर्मूला है, आई थिंक लास्ट टाइम हर्षी मुझे बता रहा था, तो काई स्क्वायर को जो जनरल फॉर्मूला होता है ना एक्सपेक्टेशन का, वहां से निकल जाएगा, ओके ठीक है, तो आप उसको करके भेज देना ग्रुप में, पर देख लेंगे बाकी, ओके ऑल नहीं हां नहीं मुझे करना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही सेवा आपकी, पर चैट में बताइए, तो सर क्वेश्चन नंबर 31 बताइए, 31 सही वाला, तो बस हाँ ये बता रही है, म्यूट कैसे लिख रहे हैं, एक मिनट मैं म्यूट हो गया हूँ क्या, नहीं सुनाई दे रहा ना मेरी आवाज, दूसरे डिवाइस से दिख रहा हूँ, वीडियो दूसरे डिवाइस में, ऑडियो दूसरे डिवाइस में, हाँ यस सर सुनाई दे रही, हाँ तो क्या करें माधव आप बताइए, सर बोल रहे कि इसमें लाइकलीहुड कैसे लिख रहे हैं वो थोड़ा समझा दीजिए। एक्चुअली क्या है ना, जैसे मान लो आपके सैंपल साइज n है ना, तो होता क्या है कि यहाँ पे माइनस वन पे भी मास है, जीरो पे भी मास है, वन पे भी मास है, तो आपने मान लिया कि n रैंडम वेरिएबल है टोटल आपके पास,
तो n1 टाइम, n1 कोई नंबर है 1 सेंट, फॉर एग्जांपल आपका सैंपल 10 साइज का, तो हो सकता है 3 बार -1 आया हो, 3 बार 0 आया हो, फिर 4 बार 1 आया हो, मतलब एक केस में है, उसे उसने एनालाइज कर दिया कि n1 टाइम मान लिया हमने -1 आया, तो 1 माइनस थीटा अपॉन 2 की पावर n1 हो जाएगी, फिर 0 जो है n रैंडम वेरिएबल है ना, तो n2 टाइम 0 आया होगा, सो लाइक हाफ की पावर n2 हो गई, और वैसे ही 1 जो है n3 टाइम आया, जैसे ले लीजिए तो थीटा बाई 2 की पावर n3 हो गई, और n1 प्लस n2 प्लस n3 n होना चाहिए। तो इस तरीके से हर सॉल्यूशन भेजा था इसका लास्ट टाइम, इस तरह के क्वेश्चंस का ग्रुप में, तो इससे फिर किया गया है वो। हाँ सर, सेम क्वेश्चन ही था वो। हाँ, ये क्वेश्चन था, तो उसमें कैसे लिया गया समझ आया भाई माधव, क्या बोलो मैं, सबकी ऑब्जर्व वैल्यू, बट ऐसा जरूरी नहीं ना कि x1 कुछ और हो सकती है, x2 कुछ और, x3 कुछ और, n रैंडम वेरिएबल है, तो n1 टाइम -1 आया, n2 टाइम 1 आया, 0 आया, n3 टाइम 1 आया, और ये खुद रैंडम है, n1 n2 n3 फिक्स नहीं है, खुद चेंज हो सकता है, तो उसके हिसाब से बाद में देखना, उसने एक्सपेक्टेशन जब निकाला होगा तो वहां पे फिर स्कोर रैंडम लिया होगा, तो वो कर रखा था, ये तरीका है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। तो ये कह रहा है कि x1 x2 xn be a random sample having density function this, okay, lambda और 42 ये हो जाएगा 42 okay, तो अब ये कह रहा है कि x1 x2 be uniform distribution on triangle region with joint density this, u है x1 upon x2, so एक तरीका आपको पता होगा already कि u है x1 upon x2, v आप क्या मान लोगे, x2 मान लूँगा, उसके जाकर भी निकलना पड़ेगा, जैकोबियन मेथड से आपको दोनों का वो करना पड़ेगा, जैकोबियन मेथड से यू वी का जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, फिर वहां से यू का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, यू का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, तो यू की प्रोबेबिलिटी आ गई, तो एक तो तरीका है, और दूसरा तरीका सोच सकते हैं, तो इसने कहा है कि ये तो सर बहुत बड़ा हो गया, हाँ उसमें है कि यू वी का जॉइंट निकालना, फिर यू वी के जॉइंट से मुश्किल नहीं होगा, यू वी का जॉइंट निकालना, बिकॉज ऑफ जस्ट मल्टीप्लाई यू इंटू वी x1 है, वी इज x2, तो वहां से जस्ट आ गया जैकोबियन 1 या ऐसा कुछ आ जाएगा -1 एंड जो भी आएगा, मतलब जैकोबियन उसको मल्टीप्लाई करके जॉइंट, पीडीएफ तो 2 ही है, सीन तो बहुत ज्यादा होना नहीं है, जैसे जैकोबियन मल्टीप्लाई होगा उससे इंटीग्रेट कर देना है, तो मुश्किल नहीं है, उससे हो जाएगा, बाकी उससे आप करके देखो, मुश्किल नहीं होगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके सर, तो उससे कर लो, वी इज इक्वल टू एक्स टू, यू वी का जॉइंट नेक्स्ट। ओके सर, 44 x1, x2, x3 up to xn be independent distribution, independent identical distribution, the IID हो गया, random sample from exponential with mean 9, okay, तो x1 है minimum, तो देखो आपको minimum का form बड़ा बस theorem था, कोई बताओ मुझे, सबका mean 9 है, तो जो x1 है उसका distribution क्या आएगा? 1/9, नहीं इसका कुछ ऐसा मैं कर लिख देता हूँ, theorem लिख देता हूँ, तो उसमें ये था, वो थ्योरम था, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, समेशन ऑफ 1/9, हाँ इस तरह से कुछ है, उसमें ऐसा था कि लाइक x1 x2 xn r iid एक्सपोनेंशियल विथ मीन 1/λ, देखो या मैं लिखता हूँ 1/λ, तो नॉट iid देन जस्ट इंडिपेंडेंट, सो जस्ट इंडिपेंडेंट विथ मीन 1/λ, मीन 1/λ, तो उस केस में जो मिनिमम है x1 x2 xn का, जिसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा एक्सपोनेंशियल होगा विथ मीन, ये थ्योरम मैंने लिखाया था क्लास में, ये रात की में ये थ्योरम है, क्या आएगा वो बताओ, क्या बोला, 1/λ, ठीक है, ये वाला था, इस केस में ये है, मीन जब लैम्डा है, मीन, सो यहां पर लिखना है, जब आपके पास मीन विथ मीन लिखा है एक्सपोनेंशियल With mean, ये है each xi का, तो जो nth order first order stats का mean है ये आपका, अब problem तब होती है, दूसरा theorem लिख देता हूँ,
कि उसमें क्या होता है कि जब आप x1 x2 xn आर इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल विथ मीन सिर्फ लैम्डा आई है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन लैम्डा आई ना, उस फॉर्म से करना पड़ेगा। तो अब जो होगा, जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, दिस इज गोइंग टू बी एक्सपोनेंशियल विथ मीन वैसे ही समेशन वन अपॉन लैम्डा आई, यहाँ ये वाला यूज होगा, सेकेंड वाला आई थिंक, चेक करो। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला हमें, क्वेश्चन में आपको बोला है कि चेक दे आर इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल विथ मीन कितना है, नाइन ना, नाइन है सर, सो नाइन का मतलब वन अपॉन वन बाई नाइन, तो क्या हो जाएगा टोटल इसका मीन, सो सो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का क्या होगा, एक्सपोनेंशियल विथ मीन कितना आ जाएगा, ये ऐसा नाइन बाई एन आ जाएगा, हाँ ये नाइन बाई एन आए, थोड़ा चेक कर लो आप लोग ये सही है, मान लो दो के लिए चेक कर लो, वेरीफाई कर लो, ठीक है, सो ये नाइन बाई एन आ जाएगा। सो यहाँ से क्या बोला आप, एक्सपोनेंशियल विथ मीन, ठीक है ना, तो जो फाइनल एक्स वन का मीन है, एक्सपोनेंशियल विथ मीन दिस, और आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन, तो डिस्ट्रीब्यूशन आ गया ना, अगर मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिखाऊंगा, तो इसको मैं डिस्ट्रीब्यूशन लिखता हूँ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, तो मीन है ना, है ना, आएगा एन बाई नाइन e की पावर माइनस एन एक्स बाई नाइन, ये होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये बोल रहा है एक्स, और एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल में मॉडुलस प्रॉपर्टी फॉलो करता है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये एक्स वन ग्रेटर देन थ्री, थ्री तो वो निकालना आसान है यहाँ से, तो आपको पूछा है कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स मोर देन सेवन है, गिवन है कि ये मोर देन फोर है, तो एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक मॉडुलस फॉलो करता है, सो एक्स वन इज मोर देन थ्री, तो ये निकाल लो जस्ट, अब ये हो जाएगा, अब इसको इंटीग्रेट कर लो, हाँ आपने ये सुना है मॉडुलस प्रॉपर्टी, तो क्या होता है, अगर एक्स एक्सपोनेंशियल है कॉन्टिन्यूअस में, अगर एक्सपोनेंशियल है, सो ये इफ एंड ओनली इफ होता है कि प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन एस प्लस टी गिवन एक्स मोर देन एस, दिस इज प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन टी, ठीक है, ये यूज किया, तो ये फॉर्मूला है, एक्सपोनेंशियल में इफ एंड ओनली इफ, कंटीन्यूअस में सिर्फ एक ही डिस्ट्रीब्यूशन है, अब तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा उसका, हो जाएगा, हाँ अब हो जाएगा आपको, यहाँ थ्री से आप इसको थ्री से इंफिनिटी में इंटीग्रेट, यस सर हो जाएगा, सर पर n भी तो आ रहा है ना डिस्ट्रीब्यूशन में, अच्छा ये n नहीं दिया, n इसको रहना चाहिए था, इसने n डबल किया, हाँ क्योंकि n के टर्म में आ जाएगा हमारा आंसर, यहाँ n इसने लिखना भूल गया है, तो इसमें n स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो इसमें n स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, बताओ नेक्स्ट, n चाहिए, फिफ्थ वाले में से आंसर अलग आ रहा था मेरा, क्वेश्चन नंबर 5 सर, ये वाला 5, अच्छा
इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड स्ट्रू का रैंडम वेरिएबल विद पी एम एफ दे रखा आपको क्यू मतलब पी क्यू की पावर के माइनस वन, कह रहा है थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स टू के इक्वल है. सो थर्ड मिनिमम इज टू है ना. तो कैसे कर रहे हो आप लोग? वो मैक्सिमम हो गया ना एक्स थ्री इस वाले केस में, तो मैक्सिमम वाले फॉर्मूले से कर दिया. लेकिन ये तो डिस्क्रीट है, वो फॉर्मूला कंटिन्यूअस के लिए है. जो फॉर्मूला देखते हो इन फैक्टोरियल अपॉन r माइनस वन फैक्टोरियल इन माइनस r फैक्टोरियल, वो कंटिन्यूअस के लिए. नहीं सर, डेफिनेशन यूज कर दी इसमें कि मैक्सिमम ऑफ x1 x2 x3 लेस देन x. ओके फिर आईडी है तो पावर क्यूब हो जाएगा. फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन कर दिया था इसमें. लेकिन नहीं ये डिस्क्रीट है, वो तो हाँ डिस्क्रीट होगा. तो आपको वैसे सोचना पड़ेगा तो सर, वो निकाल दिया था इसका पीडीएफ निकाल दिया, फिर तो ज्योमेट्रिक है, हाइपर ज्योमेट्रिक है सिंपल. तो आपको यहाँ पे डिस्क्रीट वे में करना है. डिस्क्रीट वे में कैसे करेंगे? हालांकि आप अगर देखोगे सिलेबस में, सिलेबस में स्पेसिफाइड किया है डिस्क्रीट के लिए सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स पूछेगा या nth ऑर्डर पूछेगा. आपको अगर मैं सिलेबस दिखा देता हूँ, आप वहाँ चेक करना जाके जो भी है आईडी केस में पूछेगा. आईडी है यहाँ पे और वो डिस्क्रीट के लिए सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स या nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स पूछेगा, सिलेबस में लिखा है. सो अच्छा इसी को मुझे इसको करना पड़ेगा. सो लाइक अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये जहाँ पर साइट खुला है पर देख ही लेते हैं. सो गेट के सर डेट आ गए उसी दिन दे रखी है, इस दिन जैम किया. सेम है ना इस, वो अलग अलग होगा शायद, शिफ्ट अलग अलग होगा. चेक करना आप, शिफ्ट अलग अलग. हाँ सर शिफ्ट अलग है सर. हाँ क्योंकि वो मतलब अभी भी चेंज करो, अगर ऐसा जो तुम मेल करो गेट वालों को या जैम वालों को तो वो शेड्यूल करेंगे ऐसा है तो करो, उनको लगता है कि कोई दो. लेकिन प्रॉब्लम ये एलिजिबल है, हाँ बीएससी वाला एलिजिबल है क्योंकि तीन साल ही मांगते हैं वो. मतलब यूज नहीं कर सकते बट एलिजिबल है, तीन साल की डिग्री वो जिसके पास है वो भर सकता है एग्जाम गेट का. तो उनको मेल कर सकते हो तुम, उनके जो कॉन्टेक्ट लिखा रहता है ना वेबसाइट पर, उस पर मेल कर दो कि ऐसा तो प्रॉब्लम है, वो सोचेंगे अगर ऐसा हो. चेंज भी होती है. देखिए यहाँ जो ऑर्डर स्टैट आपको दिख रहा है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन मतलब मीनिंग क्या है उसका, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर एफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर आईआईडी केस फॉर कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. तो कंटीन्यूअस के लिए आपको आरएफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक देखना है, जॉइंट भी नहीं करना है. और फिर कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन सीडीएफ पीएमएफ पीडीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक आईआईडी केस फॉर डिस्क्रीट एज वेल एज कंटीन्यूअस. तो फर्स्ट एंड लार्जेस्ट डिस्क्रीट या कंटीन्यूअस के लिए देखना है, बीच का नहीं पूछा. जैसे आरएफ ऑर्डर स्टैट बोला उसने कंटीन्यूअस के लिए, वैसे यहाँ पे नहीं बोला कि आरएफ ऑर्डर स्टैट रिपीट में डिस्क्रीट में चाहिए, वो नहीं लिख देता उसने कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, वैसा नहीं बोला. तो जो जैम में आएंगे फर्स्ट या लास्ट nth ऑर्डर स्टैट पूछेगा डिस्क्रीट के लिए. हालांकि यहाँ पे थर्ड पूछ दिया है तो हम कर लेते हैं, लेकिन इस तरह क्वेश्चन जैम में नहीं आएंगे. यहाँ पे ना तो यहाँ पे क्या करना है कि तीन नंबर का मैक्सिमम अच्छा थर्ड मैक्सिमम इज टू, सैंपल साइज थ्री तो है. अच्छा सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, तो तीन ही तो सैंपल साइज है ना, तो यहाँ तो nth ऑर्डर स्टैट से पूछ लिया. ओके ओके सर, तुम्हें लगा सैंपल साइज n है तो इसमें थर्ड पूछ रहा है, तो दिस इज फाइन हियर है ना. मतलब मैं कह सकता n साइज है, n में थर्ड का पूछ रहा है, यहाँ तीन ही तो साइज है ना, तो nth की तो है, दिस इज फाइन. ओके तो ठीक है ना, थर्ड ऑर्डर स्टैट टू कब होगा बताओ मुझे. तीन नंबर आप लोगे उसका मैक्सिमम टू कब होगा, क्या क्या केसेस केसेस भी बना सकते हैं हम लोग. मतलब जो मैक्सिमम है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री का वो टू है, और ये इंटीजर वैल्यू ले सकता है. मैं अगर लिखना चाहूँ केसेस जैसे हो सकता है टू टू टू, एक तो ये केस हो जाएगा टू वन टू, केसेस देखना चाहो तो. और फिर आई आई डी है तो उसके हिसाब से फिट कर लो. मतलब इस तरह केसेस बनाना मुश्किल नहीं, एक तो टू रहेगा ही क्योंकि मैक्सिमम टू है, बाकी तुम देखो क्या कर सकते. और इसका सपोर्ट में वन टू थ्री ही है, तो इसी में तुम्हें देखना है कि ऐसे क्या क्या केसेस है जहाँ पे टू मैक्सिमम है.
ठीक है ना, जैसे टू टू वन, इसी के तीन पेयर बन जाएंगे, वन टू टू लाइक दिस हो गया। अब फिर टू वन वन, वन टू वन, वन वन टू, ये हो गया। अब और कौन से केस बनेंगे, चेक करो और कोई केस है, वन टू थ्री यूज कर सकते हो तुम तीनों की जगह, तो मैक्सिमम टू होना चाहिए, तो टू तो रहेगा ही और टू से कम ही यूज करना है तुम्हें, तो ये केसेस होगा नहीं निकल जाएगा प्रोबेबिलिटीज पे। अब इनका डाउट तो बताओ, आईआईटी है तो प्रोबेबिलिटी, जैसे मान लो इसका निकालना है मुझे, तो प्रोबेबिलिटी एक्स वन इज टू इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स टू इज टू इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स थ्री इज टू, अब ये तीनों भी सेम ही है तो पावर क्यू हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, हर ऑप्शन के लिए ऐसे कर लो, हर चॉइस के लिए। इज इट फाइन सर? डिस्क्रीट केस में फर्स्ट और nth ऑर्डर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं? समझ नहीं आया आपकी आवाज, नहीं समझ नहीं आई सर। वो कह रहा था कि डिस्क्रीट में nth ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं? ये निकाल तो रहा हूँ, ऐसे ही करना पड़ेगा, मैंने बोले सो ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है, आपको ऐसे डिस्क्रीट में करना पड़ेगा, कंटीन्यूअस में फॉर्मूला डायरेक्ट है, डिस्क्रीट में इसी तरीके से आपको निकालना सर। सर इस क्वेश्चन में अगर हम सीडीएफ निकाल ले तो हम पहुंच सकते हैं पीडीएफ तक इसके x3 के? यस, फिर वो गैप देखना पड़ेगा, यस सो उससे कर सकते हैं ट्राई। सो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कर सकते हैं, तो जैसे अब आप क्या करोगे, जैसे हम अगर सीडीएफ से अप्रोच, जैसे आप कह रहे हैं ठीक है कि थर्ड ऑर्डर स्टैट लेस देन इक्वल टू लेट्स से चलो स्मॉल x, सो जो मैक्सिमम है x1 x2 x3 का वो आपका लेस देन इक्वल टू x का मैक्सिमम छोटा है, बाकी थोड़ा ही होगा, सो x1 लेस देन इक्वल टू x, तो इसका आपने कर दिया जैसे क्यूब कर, ठीक है, तो ये आ गया cdf of x1 इसकी पावर 3। अब cdf आपको pmf पता है, अब देखो pmf से cdf लिखोगे थोड़ा डिफिकल्ट टास्क, नहीं क्या है ये समेशन, क्या था वहां पे का तो डायरेक्ट हो जाएगा ना, मतलब ज्योमेट्रिक का 1 माइनस क्यू की पावर x, ओके वही पूछ रहा हूँ, समेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ से आपको इसकी पावर क्या है, ये प्रॉपर्टी x लेस देन इक्वल टू x है ना, तो x पे निकाल दो, ये x माइनस वन है, x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे इसको k माइनस, इसकी पावर पहले तुम ऐसा करो k माइनस वन लिख दो, ये k पे प्रॉपर्टी है ना, और x यहाँ से होगा k की वैल्यू वन टू x, आई थिंक ये मीनिंग है, चेक करो। ये pmf लिखा हूँ मैं, pmf किस पे, k पे, अब k की वैल्यू वन से लेके x तक जानी है, अब ये समय से निकालोगे जो मैट्रिक्स है, फिर yes, तुम्हें गैप देखना पड़ेगा इसमें, तो अब जैसे मुझे चाहिए था सिंपल ज्योमेट्रिक का निकाल के फिर इसमें यूज कर लिया था, मतलब जनरल, ताकि वो आगे भी यूज हो जाए, जैसे आप क्या जानते हो इसका इक्वल टू है, तो cdf at 2 minus cdf at 1, अगर आपने ये निकाल लिया ये कर लो, क्योंकि बीच का तो है नहीं, मतलब ये क्या है लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 1, बीच में गैप तो है नहीं, है ना, मतलब आप देखते हो यहाँ 2 माइनस लिखता था हूँ, तो डिस्क्रीट में 2 माइनस का मतलब 1 ही हो गया, इन जनरल हमारा ये फॉर्मूला है, x is equal to मुझे k निकालना है, तो मैं क्या करूंगा cdf of x at k minus cdf of x at k left hand, in general ये formula तीनों केस के, तो अगर discrete है तो k minus का मतलब k से पिछला वाला support, तो 2 से पिछला support this, अगर आप ये निकाल लेते हो, ये अगर simplify कर लो आप, तो उस केस में x को रखो 2 पहले, small x को 2 रखो, minus small x को 1 रखो, हो जाएगा, कर लोगे आप, हो जाएगा, yes sir, समझ रहे ना, x को 2 yes, रखो फिर, हाँ फिर उससे एक वैल्यू आ जाएगी नंबर, फिर एक्स को वन रखो वैल्यू का गई, उसको डिफरेंस ले लो, हो गया, इससे भी हो जाएगा, ओके एक्चुअली क्या होता है जब क्वेश्चन को सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आता है, इफ दिस देन दिस, तो उसमें कुछ मिस कर देते हैं लोग, तो वो थी मुझसे भी गलतियां हुई लास्ट टाइम, हम देखा हो मैंने वो गलतियां की, कई बार क्या होता है जल्दीबाजी पेपर बनाने में गलतियां हो जाती, तो वैसे हो जाती, मतलब जाम में पेपर अब देखो हर एक दो साल आपको मेरा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो वहां तक लोग गलत कर देते हैं, गलतियां इंसान का वो है, हो जाते हैं। कोई नहीं, इसको मैं ट्राई करूंगा, मैं लिख लेता हूं, क्वेश्चन अच्छा था ही,
हाँ क्वेश्चन ऐसे ठीक है, सो इसका मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं मिल जाएगा ये किसी ना किसी बुक में या किसी वेबसाइट पे या किसी आईआईटी की वेबसाइट पे प्रोफेसर के उस पर होगा, तो कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन क्योंकि ये टेबल वाला कहाँ पे चल लिया था, कौन सा टेबल, टेबल वाला क्वेश्चन था ना वो प्रेजेंट मिलेगा ये भी ऑनलाइन अवेलेबल है। सो एक्चुअली क्या है, तुम मैं एक तरीका बताता हूँ, क्वेश्चन जो है ना कॉपी पेस्ट मारो, जहाँ कॉपी नहीं हो रहा है तुम वर्ड टू वर्ड टाइप करो, तुम्हें बहुत सारे लिंक्स आ जाएंगे, तो देखना कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन मिल जाएगा। ये ऑलमोस्ट ऐसा होता है, कोई भी क्वेश्चन तुम ऑनलाइन सर्च कर लो, कॉपी पेस्ट अगर नहीं होता ना तो तुम वो चीज़ टाइप कर लो, वो तुम्हें ऑनलाइन मिल जाएगा, क्योंकि आजकल गूगल इतना एडवांस है ना, वो ढूंढ के दे देगा तुम्हें वो किस वेबसाइट पे, मतलब ऐसा है जैसे हम लोग पेपर लिखते रिसर्च पेपर, तो जैसे वेबसाइट टर्निटी ने सॉफ्टवेयर है, तुमने अगर कोई दो लाइन कहीं से कॉपी किया ना, और जब तुम उसको चेक करते हो उस पर प्लैगरिज्म चेक करते हो, वो दिखा देता है कहाँ से तुमने उठाए, बड़ा आश्चर्य होता है उसको कैसे पता, लेकिन वैसा आजकल है कि वो ढूंढ के बता देगा तुमने कहाँ से तुमने उठाए, दो लाइन इंस्ट्रक्टर से लिखो तो भी कि वो दो लाइन कहाँ थी, ऐसा होता है। आप उसको क्वेश्चन को वर्ड टू वर्ड टाइप करो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, जैसा होता है मैं लिख रहा हूँ। सो मतलब बस उसका लिंक है, लिंक भेज दूंगा देख लेना, एन के लिए सॉल्व किया उसने। हाँ सर, वो कभी कभी चेक का आ जाता है ऊपर, फिर वो खुलता नहीं। हाँ हाँ वो फिर वो पैसे मांगते हैं, फिर स्ट्रेस होते हैं कई बार, लेकिन है मैथ्स एक्सचेंज कुछ ऐसा है ना, स्टैक एक्सचेंज ये सब बोला बोला इसमें मिल जाता है। आप ये वाला ट्यूबल वाला क्वेश्चन टाइप करना, आपको सीधा सीधा वहां पहुंच जाओ। सर एनएटी का सेवन क्वेश्चन का आंसर मेरा थोड़ा सा लग रहा है, let x y be two independent normal variables with mean 2, 3 अच्छा variance 4, 9 okay normal है ना, और independent भी है। हाँ सर इसके आंसर में आया है 2.33। अच्छा आ गया, determine the value of lambda 4 आ रहा है मेरा। अच्छा तो ये ना रेंज, तो जैम में तो इतना मार्जिन रखता है, जैम में तुम देखोगे इतना मार्जिन रखता है, यहाँ नहीं रखा है। सो जैसे होता है ना करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो अगर 0.34 भी आ रहा है तो वो सफिशिएंट मार्जिन है। तो यहाँ पे अगर ठीक है वो अप्रोक्सीमेशन में दिक्कत हुआ, मतलब वो इतना प्रॉब्लम नहीं है। सर को बता दो सर, रेंज ठीक कर देंगे। हाँ वो इतना क्लोज रेंज वहां भी नहीं होगा, जैम में भी नहीं होगा, कि बस एक 0.3233 का रेंज है, यहाँ इन्होंने ऐसे कर रखा है कि रेंज उसको वहाँ बोलना वो बढ़ा देंगे रेंज। जैम में तुम देखो, जो जैम में कोई की पर्टिकुलर में उठा कर दिखा उसका पेपर है ना, जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं क्वेश्चन का, जैसे मान लो 2019 का पेपर है, तो जैसे इसका ही रेंज देख लो, जैसे ये क्वेश्चन है 0.45 to 55, यहाँ बोला होगा करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस, और इस क्वेश्चन में आपका आंसर आता होगा 0.475, मैं क्वेश्चन नंबर 49 की बात कर रहा हूँ, तो आपका आंसर अराउंड आता होगा 0.47 या 0.50 ऐसा कुछ, मतलब उदाहरण तो कितना ज़्यादा परसेंट मार्जिन है, देखो 50 का देख लो 4.20 to 4.30 इतना मार्जिन है, ऐसा नहीं लिखा 4.20 to 4.21 ऐसा नहीं ना। अब जो एग्जैक्ट आंसर मान लो 51 है, उसका 0.5 आंसर आता होगा एग्जैक्ट, तो यहाँ कोई मार्जिन नहीं दिया आपको, क्योंकि हाफ ही आ रहा है एग्जैक्टली, तो 51 का आंसर है 0.5 to 0.5, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, 52 में एग्जैक्ट 50 आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का सीन है, डेसिमल आ रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जैसे 53 में क्या है 0.50 to 0.70, तो इतना लंबा मार्जिन, तो उस हिसाब से मार्जिन देगा उतना। ओके मतलब लाइक तो इतना सफिशिएंट मार्जिन वहां होगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 देखिए एक बार, ये वाला तो ये ना एट्थ वाला जो है दिख रहा है स्क्रीन पे, यस सर ये वाला बाय वेट नॉर्मल वन। ओके तो इसको पहले तो जो जॉइंट पीडीएफ होता है बाय वेट नॉर्मल का वो लिख लो, और टर्म बाय टर्म कंपेयर करो कोएफिशिएंट, तो उससे आपको वैल्यूज मिल जाएंगे, पहले तो μ1 μ2 σ1 σ2 रो, वो जो फॉर्मूला है जॉइंट पीडीएफ का उसको रख के कंपेयर करो।
तो सर वो आ जाएगा, क्या दिक्कत है? ओके सर, मैं ट्राई कर लूंगा। तो हाँ, पीडीएफ से एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड मतलब ईच टर्म को कंपेयर करो, कोएफिशिएंट काउंट करो, हो जाएगा। मैं सोच रहा था निकालना पड़ेगा, मैं कॉपी का सोचा नहीं पहले। कंपेयर करके आ। ओके सर, 52 और 57 बता दीजिए ये तो। 52 ये वाला तो XYZ W with IID random variable with joint PDF this exponential with PDF mean one. तो U है आपका minimum, V है maximum. अच्छा तो minimum तो निकालना आसान है, distribution पता है। मैं पूछ रहा था कि तो दोनों का distribution निकल के मैं कर दूंगा तो हो जाएगा? हाँ हाँ हाँ, इससे कर सकता हूँ। अभी हमारा continuous है तो formula भी तो है हमारे पास, first order stats है, nth order stats का, तो उससे कर लो। EU तो ऐसे मिल गया, EU तो आपको मिल गया कि 1 upon कितना हो गया 4 I think EU 1 upon 4 आ गया। और बाकी उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, इन्हें थोड़े स्टैट्स के फॉर्मूला से। ओके सर, और तो 57 बता दीजिए सर। ये 17 नंबर है जो दिख रहा है स्क्रीन पे। यस सर। तो इसमें क्या पड़ेगा, तो k निकालना पड़ेगा। k निकालने के लिए आपको डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसमें क्या डाउट है, मतलब तो क्वेश्चन इजी सा दिख रहा है? आंसर मैच नहीं हो रहा था सर, किसी को मैच हो रहा है? चलो देखो, कोई नहीं पूछ रहा था। 17 जो है, मतलब जो 47 है, तो उसमें क्या करना है आपको कि हमें पहले तो जॉइंट पीडीएफ दिया था उसने, तो यहां से पहले जॉइंट पीडीएफ का डेफिनेशन यूज कर लेंगे k निकालने के लिए। इक्वल टू 1 वो भी सपोर्ट है, कट ही जाएगा सर। अच्छा तो अच्छा, वैसे आप कहना चाहोगे उसमें तो हम क्या करेंगे, पहले तो मुझे आई थिंक fx ऑफ x चाहिए होगा, क्योंकि नहीं पड़ेगी लाइक, तो देख लेना अगर fx ऑफ x निकालो पहले। तो fx ऑफ x निकालने के लिए आपको चेंज करना है, x आप निकाल लोगे मार्जिनल ऑफ x, ठीक है ना? मार्जिनल ऑफ x आ जाएगा यहाँ से। अच्छा मतलब y चाहिए, बिकॉज ऑफ गिवन y है, तो y गिवन है तो मार्जिन ऑफ y चाहिए, तो मुझे मार्जिनल ऑफ y चाहिए यहाँ से। सो तो y का मार्जिन निकालना पड़ेगा आपको, y का मार्जिन निकल जाएगा, उसके बाद फिर f ऑफ x गिवन y निकाल लो। तो ये हो गया जॉइंट अपॉन y का मार्जिनल। अब ये y गिवन भी है, तो यहाँ जहां जहां y दिख रहा होगा उसमें y पुट कर दो। सो एक तो वो हो जाएगा, और यहाँ x 0 से 2 में y की वैल्यू माइनस x से x, मतलब y लेस देन मॉड x बोल दो, हाँ, और x की वैल्यू 0 से 2 में है, तो ग्राफ भी बना सकते हो इसका। तो सो ठीक है ना, अब ये जो आएगा तो उससे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 गिवन y इज हाफ। सो जो भी x गिवन y का डिस्ट्रीब्यूशन आया, जो भी यहाँ आएगा, इसका जो भी आंसर आया, इसको आप x कहाँ से स्टार्ट है, सो एक स्टार्ट है 0 से 2 तक जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देख लेना कहाँ तक जा रहा है, वहां से स्टार्ट करूंगा। सो लेस देन 1 में क्या देखो, यहाँ से हो सकता है 0 से 1 में करना पड़े, या जैसे भी आता है, वो डिपेंड करेगा सपोर्ट्स पे। जिसका सपोर्ट का अगर आप बनाओगे, सपोर्ट में क्या था, ये मॉड एक्स है, तो वाई लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स, लाइक जैसे 1 0 है, तो वाई लेस देन 1 9, सो आई थिंक ये वाला पार्ट आता है वाई लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स, जो यहाँ पे दे रखा है इसने 0 1, नहीं उल्टा हो गया ना, y लेस देन इक्वल टू, यस ये वाला पोर्शन है दिस। मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, जो आपका सपोर्ट है ना इसमें, देखिए ये ना x की वैल्यू 0 से 2 में है, और y की वैल्यू माइनस x से x में, तो y बराबर माइनस x टू x, एक बार चेक कर लो, y लेस देन मॉड x है ना। अच्छा एक मिनट, मैं थोड़ा गलत कर रहा हूँ सर, वाई माइनस एक्स एक्स में ना, सो मैं उल्टा सोच रहा हूँ, 1 मिनट आई थिंक। सो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे ग्राफ बनाना है वाई बिटवीन माइनस एक्स एंड एक्स, ये था, सो इट इज नॉट, उल्टा बोल रहा था ना, वाई लेस देन मॉड एक्स, कुछ और हो जाएगा ना, तो ये तो कुछ और हो जाएगा, एक्स मोर देन वाई या एक्स लेस देन माइनस वाई, इस तरह से आ जाएगा। सो ये अलग चीज़ है, यहाँ से कुछ हो रहा है वाई लेस देन एक्स है, यहाँ से वाई लेस देन माइनस, ये कुछ हो रहा है। सो दिस इज जस्ट इजी, इसमें उतना टेंशन नहीं लेना।
y बराबर x और ये y बराबर माइनस x, x आपका 0 से 2 है ना इस तरह से। अब आपको देख लेना है कि माइनस x x में क्या होगा, सो लाइक ये 0.02 है। बीच का रीजन सेलेक्ट कर लो, सो विच रीजन विल टेक y बराबर माइनस एक्स टू y बराबर x, ये y बराबर माइनस एक्स है यहाँ पे y बराबर x 2 0 है ना, तो y को 0 ले लिया माइनस 2 से 2 में, यस। सो आई थिंक ये वाला पार्ट आएगा, चेक करो दिस पार्ट नाइस, मुझे मालूम है 1 0 पॉइंट है, यू कैन चेक जस्ट। ठीक है, ये रीजन है, तो इस पे कर लो आप काम। तो इसमें क्या डाउट स्पेसिफिक बताओ, इसमें ये समझ आया प्रोसेस तो पता ही होगा तुम्हें पहले से शायद। हां सर, तो फिर ट्राई कर लूंगा एक बार, अब हां ये मतलब ये है, हां देख लो एक बार, ये से क्या है, सिंपल जॉइंट दे रखा है, तो आप y का पहले मार्जिनल निकालो, मार्जिन ऑफ y, फिर कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन x गिवन y, कंडीशनल आने के बाद फिर ये है, तो 1 से लेके लेस देन 1 है, तो कंडीशनल में सपोर्ट क्या आता है उस पर डिपेंड करेगा, तो x की वैल्यू लेस देन 1 कह रहा है, तो यहां से हालांकि यहाँ एक 0 से 2 था, तो हो सकता है कि देखना क्या आता है कंडीशनल, तो उसके हिसाब से 1 से इंटीग्रेट करना पड़ सकता है इस f of x given y का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर, x लेस देन 1 इस तरह से, सो मे बी लेस देन 1 ना सर, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ देखना, 0 से 1 हुआ या क्या होगा देखना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आ जाएगा। ओके सर, मैं चेक कर लूंगा एक बार। नेक्स्ट बताइए एक बार 20। ओके सो हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा मैं 2019 का पेपर, है ना, हमने अभी तक 15 से स्टार्ट किया था और 18 तक कर रखा है, 15 16 17 18, अभी नेक्स्ट क्लास में 2019 का स्टैट्स वाले क्वेश्चन, अगर वो ट्राई कर लेना आप लोग और देखते हैं, ठीक है। सर एक बार जो 2015 से पहले वाले ऑब्जेक्टिव वाले हैं उनको भी डिस्कस करवा दो। हाँ वो करेंगे करेंगे, अभी उसका भी सॉल्यूशन डिस्कस होगा, एक बार 15 से 22 तक कर लेते हैं फिर वापस चलेंगे, तो मे भी 5 से लेके 14 तक करेंगे, तो उससे क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा प्रॉब्लम, जैसे आपको प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम चाहिए तो प्रीवियस ईयर इज द बेस्ट सोर्स, उसके बाद फिर आप बुक्स और ये सब देखो, बुक तो कर ही लो अच्छे से, तो करेंगे वो भी करेंगे, अभी 2015 से स्टार्ट किया 2022 तक करते हैं, उसके बाद वापस आएंगे फिर 2005 से 2014 तक, जहाँ सब्जेक्टिव भी आते थे, ठीक है करेंगे वो। सो ये भी, और मैं कहूँगा ना ये से है, और आप लोग क्या करना, गेट का भी कर लेना, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा उसमें, एक बार देख लेना, तो जैम लेवल का वो कर सकते हो तो बाद में देख लेना, तो जैम और गेट का अगर पूरा प्रीवियस ईयर ढंग से कर लिए, जो तुम्हारे जैम के सिलेबस वाला पार्ट बाकी पार्ट में, चलिए ठीक है, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, गुड नाइट। Good night.